दोस्तों, जय हिंद, जय भारत आप सबको। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के सेशन में टूथ ड्रिलर से आपका स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है, आज का टॉपिक जो है, क्या करते हैं, जो है पंजाब इलेक्शन के ऊपर है। सभी को पता है कि कल बात किए जाएंगे और यस्टरडे मतलब गुजरे हुए कल में 5 बजे से कैंपेन खत्म हो गई है। अब सिर्फ इंतजार है लोगों के वोट आने में। सब जुड़ के जल्दी से पहले मैं अपने साथी को बुलाऊंगा, और उसके पहले मैं ये आपको सबको ब्रीफ करना चाहता हूँ। साथी हैं, मंडे ट्यूजडे से आना शुरू हो बात। भाई भाई और मैं आपको सर, आपका जय महाराज, जय श्री राम। महादेव, आपका वॉइस बहुत कट रहा है। है, लेकिन बहुत कम है सर। इफ यू कैन यू नो प्रॉब्ली यूज अनदर हेडसेट। मीन टाइम सभी दोस्तों को, सभी पितरी दर्शकों को जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। बिफोर वी स्टार्ट, आई एन एज उज्ज्वल जी वाज मेंशनिंग, दिस इज अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब इलेक्शन अगेन, बिकॉज इट इज फॉर्म्स वन ऑफ द वी वुड से एन इम्पोर्टेंट स्टेट नाउ, एंड विथ ऑल दिस टॉपसी टर्वी हैपनिंग्स सिंस फास्ट फ्यू डेज एंड सिंस फास्ट 1 month, यू नो मोर देन अ मंथ, तो इट बिकम्स मोर वैलिड, बिकॉज अभी क्या है, द सिनेरियो इज सिनेरियो इन पंजाब इज लिटिल ट्रिकी। अभी लेटेस्ट जो रेवलेशंस हुआ है, जो खांसी वाला स्पेसिफिकली, उनका इनके बारे में उनके एक्स पार्टी मेंबर ने जाके जो बयान दिया है, दैट इज अ शॉकिंग रेवलेशन। एंड अबाउट द वॉट एवर इज लाइक यू नो द सपोर्ट शोन बाई सम द फ्रिंज टेररिस्ट एलिमेंट हुआ सिटिंग आउटसाइड इंडिया, उनके बारे में बात करेंगे एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट दी पोल टुमारो। उसके पहले उज्जवल जी फिर से जुड़े हैं, एंड बिफोर दैट आई वांट टू प्ले, आई मीन आई वांट टू जस्ट शो वन थिंग। प्लीज, आप अगर पंजाब से हो, पंजाब में अगर वोट करने का आपका राइट्स है, प्लीज रिमेम्बर टू वोट। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आपकी राइट्स है ऑन ड्यूटी है ना। डोंट मिस दैट एंड देन गो अराउंड कंप्लेन अबाउट दैट यू डिडंट वोट। ओके, जिनको भी वोट करिए करिए, लेकिन करना है। यू नो दाग अच्छा है, ये दाग जो उंगली में आता है ना, वो अच्छा ही है, आज सिर्फ आपके लिए नहीं, देश के लिए भी। विद दैट बीइंग सेड, उज्जवल जी आप बात करिए, यू गिवन ब्रीफ ऑन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई पंजाब, बिकॉज हम पंजाब के बारे में दो दो बार क्यों कर रहे हैं, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अरुण जी, दोस्तों, पंजाब हमारा एक सरहदी सूबा है, बॉर्डर स्टेट है, और वन ऑफ द मोस्ट जो अग्रणी राज्य है हमारे देश का, है ना, ग्रेन बास्केट है, तो सभी तरीके से बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे लिए। और सरहदी राज्य होने के चक्कर में कारण कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और स्पेशली इस कनेक्शन में कि उसके बॉर्डर के उस साइड में जो हमारा नेबर है या पड़ोसी है वो हमारा जानी दुश्मन है। हम तो नहीं समझते लेकिन वो लोग जरूर समझते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में, और उधर से काफी सारा टेररिज्म है ना, आतंकवाद जो है बहुत बड़े पैमाने पे पुश किया जा रहा है हमारे देश में,
दोनों कश्मीर में भी और पंजाब में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी, पंजाब में। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो पंजाब बड़ा ही इम्पोर्टेंट सूबा बन जाता है हम सबके लिए, गवर्नेंस के लिए भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी। दूसरा, हमारे पंजाबी भाई बहन जो हैं वो बड़े ही हार्डवर्किंग, मिलनसार और बड़े दरिया दिल लोग होते हैं पंजाबी, है ना, और बड़े ही हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत मेहनतकश लोग होते हैं, है ना। दुनिया में आप जहाँ भी जाओगे आपको ये मिल जाएंगे, है ना, और बड़े मेहनत वाला काम करते हैं। मतलब वो बैठ के खाना या भीख मांगना आपने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा होगा, है ना, भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, बैठ के खाते हुए नहीं देखा होगा, कुछ ना कुछ काम तो जरूर करते हैं, एक्टिव रहते हैं बहुत, है ना। और आप देखो इंडिया में आप अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में वो फैले हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं, है? तो अच्छे अच्छे बिजनेस में हैं, है ना। तो एक बड़ी प्रोग्रेसिव कौम है, बड़ी हार्डवर्किंग कौम है, और उसमें जो खालसा पंथ जो है वो तो हिंदुओं, सनातनी पंथ है, वो सनातन हिंदू धर्म का ही एक पंथ है, तो हिंदू हिंदुओं के से ही शुरू हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने इस पंथ की स्थापना करी। तो हमारा तो बस चोली दामन का साथ है ना, पहले तो बहुत पहले और अभी भी है, बहुत सारे परिवारों में है कि भाई हिंदू परिवारों में एक दो बच्चे जो है वो शिक्षित सिख होते हैं, बहुत से मिल जाएंगे आपको, क्या करो हजारों लाखों में ऐसे मिल जाएंगे इंडिया में, है ना। तो इन सभी वजहों से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और अभी जो परिप्रेक्ष्य है, जो गतिविधियां चल रही हैं हमारे देश के अंदर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं या प्रोटेस्ट है या आतंकवाद की कोशिश करी जा रही है, इसमें ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम बात करेंगे इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में। अरुण जी, आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच सर. ऐसा यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पंजाब एज अ स्टेट. आई मीन आई नो एवरी स्टेट ऑफ इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज भारत का एक विभिन्न एक एक अंग है. दैट इज व्हाट मेक्स मदर इंडिया राइट. तो लेट अस टेक इट टू द फोकस ऑन द इलेक्शंस टुमारो राइट. आई मीन द वोटिंग डे. तो हमने पहले भी सेशन किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स जो इफेक्ट होता है जो वाई द पार्टीज में एक जो भी आ रहे हैं उसके तालमेल. मैं थोड़ा इश्यूज पूछता हूँ विच इज आई फील वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन जो मैनिफेस्टोस मैंने सभी सभी ऑलमोस्ट एवरी पार्टीज का मैं जाके मैनिफेस्टोस देख रहा था उसमें एक स्टार्क वेरी स्टार्क थिंग विच आई एम सीइंग इज जॉबलेसनेस. उसके बारे में पिछले भी बात किए थे बट लेट अस स्किप दैट. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन विच आई एम सीइंग इज एवरी लाइक पार्टीज क्या है मेनली फोर आर फोर है सर इफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग है ना. INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. आप है इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द लीडिंग लाइक रूलिंग गवर्नमेंट नाउ. देन आप जो अभी आए हैं एंड हैज गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट एंड देन इस शिरोमणि अकाली दल और BJP. ओके ये चार है लोग हैं उसमें. वॉट आई एम सेइंग इज इवन BJP दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द दलित कि दलित मजहबी सिख्स जो बोलते हैं और यू नो अदर परसेंट हिंदू दलित होते हैं उनके बारे में एवरीबॉडी इज वोटिंग मीन टॉकिंग अबाउट इट स्पेशली इफ यू लुक एट यू नो द श्रोमणि अकाली दल. वो बोल रहे हैं कि मैं हम वाइस यू नो इनको वाइस चीफ मिनिस्टर नो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे दलित लोगों से. और अपने BJP ने तो ये बोल दिया कि चीफ मिनिस्टर बना देंगे यू नो. And that concentration, why they are concentrating on the Dalit? Is it because 38% of the population is Dalits? Okay, in Punjab, whatever is the acronym. Is it because there are a lot of conversions happening within the Dalits, so there are more chances of them jumping to their parties? Because anyways, वहाँ पे non-Hindus जैसे भी BJP को against थोड़ा hatred इन लोग ने फैला हुआ है, जो फैला है कि रखे हैं. So is it because of that factor they are concentrating on the Dalits? वो हमें this is my understanding. आपसे पूछना चाहता हूँ because you will have an idea. ठीक है अरुण जी और दोस्तों, ऐसा है कि हमने लास्ट सेशन में तो काफी इश्यूज के ऊपर तो डिटेल में बात की थी, तो स्किपिंग दोज इश्यूज, रेपिटेशन ऑफ दोज इश्यूज, आई विल कम टू द पॉलिटिकल क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड मी।
है ना, जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक सवाल जो आपने पूछा है उसके ऊपर, उस एंगल के ऊपर आते। तो जैसा कि आप सबको पता है, पंजाब के पॉपुलेशन कुछ 3.25 करोड़ के आसपास है, 3.25 करोड़, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं 32 मिलियन और व्हाटएवर, है ना। तो अभी इसमें से करीब 1/3, जैसा कि आपने सही बताया, अबाउट 30% ऑफ देम आर दलित्स, है ना। अबाउट क्रोर ऑफ देम विल बी दलित्स, एंड देन दलित्स विल बी बोथ सिख्स एज वेल एज हिंदूज, राइट। अच्छा, अब उसमें सिख पॉपुलेशन जो है वो, हिंदू पॉपुलेशन इज अराउंड 1.1 करोड़, एंड अबाउट अनदर 2 करोड़, या 2 करोड़ 15 दिस थिंग, और 2 करोड़ 20 लाख इज अबाउट सिख पॉपुलेशन, एंड अबाउट मे बी अबाउट 10-15 लाख विल बी क्रिश्चियन पॉपुलेशन, और मे बी अनदर 10-15 विल बी मुस्लिम्स। यू टॉकिंग अबाउट 25-30 लाख एज क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, एंड देन सिख एंड हिंदूज। तो सिख में भी क्या है, बंटवारा है सर, उसमें भी उनका करीब 33-34% जो है वो एक्चुअली दलित एंड ओबीसी सिख है ना। अब उसमें सारे आ जाते हैं, उसमें ओबीसी में तो राजपूत सिख भी उसमें ही जोड़े हुए हैं उन्होंने, है ना, वो नामधारी सिख भी उसी में आते हैं। फिर वो तो आपका ओबीसी में उन्होंने, अरे दलित में इन्होंने सबसे बड़ा जो समुदाय है वो रविदासिया बोलते हैं अपने आप को, है ना, तो वो भी है उसमें। अब हमारे आज के जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने आप को बोलते हैं दलित परिवार से आए हैं, दलित सिख हैं, लेकिन अपने आप को इशू का भक्त बताते हैं, है ना, इशू का प्रेमी, इशू का भक्त बताते हैं। तो वो वैसे तो है वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है ना। और ऐसा बहुत सारा है, बड़े तेजी से ये कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, वो सिख में दलितों में भी और हिंदू दलितों में भी। सिख दलितों में उसकी वजह है, क्योंकि ये जो जट सिख हैं दे आर अबाउट 25%, हार्डली अबाउट 25-25%, बट दे कंट्रोल द एंटायर वेल्थ एंड इकोनॉमी ऑफ पंजाब। दे कंट्रोल द एग्रीकल्चर, दे कंट्रोल द इंडस्ट्री, दे कंट्रोल द वेल्थ, दे कंट्रोल द सोसाइटी, दे कंट्रोल द गुरुद्वारा, द मेजर जो गुरुद्वारा है ना, राइट फ्रॉम गोल्डन टेम्पल से लेके, दे विल बी ऑल बी कंट्रोल्ड बाय जट सिख्स। पहले क्या होता था, ये थोड़ा डेमोक्रेटिक होता था, उसमें थोड़ा हिंदूज भी होते थे उसमें, जत्थेदार, या मतलब जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में, प्रबंधक कमेटी में। अभी पिछले आपको 85-90 से आपको कहीं भी आपको हिंदू नहीं मिलेंगे, देयर ओनली सिख्स, मैंने खालसा। अब उसमें से आधे से ज्यादा तो जबरदस्ती का खालसा है, पग ऊपर रख लिए है, अंदर से क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, या नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बाद में वापिस आके समाज में सबके सामने दुकान वुकान में बैठने के पहले पगड़ी रख लेते हैं अपने सिर के ऊपर, इस टाइप के सिख है। और दूसरा वो कैटेगरी है अरुण जी, जो देश के बाहर चला गया, माइग्रेट कर गया है, और उनके सगे संबंधी यहाँ पे हैं, जो कि दोज हु वॉन्ट टू बी यप्पीज एंड वोक्स गो अब्रॉड। तो वो लोग तो वैसे भी कभी गुरुद्वारे जाते नहीं है, चाहे इंडिया में हो चाहे गुरुद्वारे के बाहर, इंडिया के बाहर, वो सिर्फ शादियों में जाएंगे, या किसी और की शादी में जाएंगे, या कोई बड़ा फंक्शन हुआ उसमें शक्ल दिखाने के लिए जाएंगे, है ना, या गुरु पर्व हुआ तो सिर्फ सामने दिखना चाहिए, नहीं तो लोग गालियां निकालेंगे, इसलिए जाते हैं। बस उनको सिख धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, उनको एक्चुअली ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना गुरुवाणी सुनते हैं, तो धर्म का तो उनको बहुत कम पता है, खालसा पंथ का बहुत कम पता है। तो ये हाल है, ये एक्चुअल सोशल जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है। अब जट सिख जो है वो कभी, ये जो दलित सिख हैं इनके इसमें वो शादी नहीं करते, बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन है इनमें, गुरुद्वारे में नहीं आ जा सकते। और रविदास जी का तो यहां तक हुआ था कि उन्होंने 2011 में सेपरेट मांग किया था सेंसस का, दे रिक्वेस्टेड सेंसस कमिटी, कमीशन ऑफ इंडिया टू पुट देम इन अ सेपरेट कैटेगरी, दे सेड वी आर नॉट सिख। वो क्यों हुआ था, उसके पहले तो वो सब सारे गुरुओं की करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते थे, दशम ग्रंथ की पूजा करते थे, लेकिन 2007-08 में कुछ उनके बहुत बड़े रिलीजियस लीडर को इन लोगों ने, ये खलिस्तानियों ने असासिनेट कर दिया था यूरोप में। यूरोप में तो आपको पता ही है दोस्तों,
यूरोप में, अमेरिकाज में, कनाडा, यूके, है ना, जर्मनी, ये सब मेजर सेंटर्स है फंडिंग के, है ना। सिखों के ये जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, सिख फॉर जस्टिस है, पोएटिक जस्टिस है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, खालसा एड है, यूएस है, कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, ये चार पांच सेंटर्स जो बहुत बड़े बड़े मेजर कंट्रीज हैं इनके फंडिंग के लिए, ये खालिस्तानी मूवमेंट के लिए। और बाकी जो है वो ISI है ना, पाकिस्तान में। तो कुछ पैसा चीन से ISI आता है, ISI से फिर इधर वो भी है। तो आज के तारीख में क्या है, इन्होंने फिर रविदास व्यास जो है उन्होंने अपना लिटरेचर, अपना जो है भज शब्द, अपने कीर्तन, उन्होंने गाने, अपने भजन कीर्तन शुरू कर दिए, है ना। और गुरु ग्रंथ साहिब बहुत सारे गुरुद्वारों से उन्होंने हटा दिए। अब बड़े जो लोग हैं, बड़े लोग हैं जो धर्म के, पंथ के जो बड़े लोग हैं, वो थोड़ा आपस में सलाह मशवरा, समझाना बुझाना ये कर रहे हैं, लेकिन दिस इज द सोशल स्टेटस अभी इस समय। आज के तारीख में क्या है कि अगर आप बोलेंगे तो डिविजन तो बहुत सारे हैं, है ना। अब बिकॉज ऑफ दिस खालिस्तानी टेररिस्ट, है ना, तो उसमें ये भी हो गया कि दे वांट टू फैन, बाहर से जितने लोग हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दे वांट टू फैन दिस, प्रोवोक दिस टेररिज्म, है ना, या आतंकवादी हवा को और थोड़ा पंखा देना चाहते हैं, तो वो लोगों को धमकाते हैं कि भाई आप वोट डालने मत जाओ, है ना। हिंदू लोगों को धमकाते हैं कि भाई हम तुमको मार देंगे, कैंडिडेट्स को धमकाते हैं, दूसरे कैंडिडेट्स को, आपने देखा होगा ये सब, हम हमने सब सबने देखा ही है होते हुए, है ना, पढ़ा है, देखा है, सुना राइट सर, है ना। वो क्या कैंडिडेट्स को धोखा धमकी देते हैं कि आप कर्ण सिंह के लिए बाहर नहीं आओगे, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे, उड़ा देंगे। और अभी तो लेटेस्ट आप सबको मालूम होगा है, आप पार्टी ने उनको थैंक यू बोला है, पन्नू नुन्नू जो भी है, सिख फॉर जस्टिस वाले, है ना, नुन्नू पन्नू को उन्होंने थैंक यू भी बोला है कि भाई थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने चिट्ठी लिख के सबको बताया, पूरे कौम को, है पूरे पंजाब को, कि भाई आप इनको ही वोट करेंगे क्योंकि ये हमारे खालिस्तान का सपना साकार करेंगे। तो ये तो आप देख लीजिए इस तरीके के जो है माहौल है। सर मुझे पता नहीं कि मैं फ्रोज फ्रीज हो गया हूं कि आप फ्रीज हो गए हो, कोई तो फ्रीज हुए हैं। सो शिवानी जी, अच्छा शिवानी जी, मेरा बफरिंग हो रहा है कि उज्जवल जी का? ठीक है। सो कपल ऑफ मोर पॉइंट्स टू ऐड टू विच अंटिल उज्जवल जी जॉइंस बैक, लेट मी गिव अ कपल ऑफ पॉइंट्स। उज्जवल जी ज्वाइन करें, सॉरी सर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो कंटिन्यूइंग विद इट, सी देखिए अभी इन्होंने लेटर लिखा है सबको कि भाई थ्रेटनिंग, सर आपका फिर आप से पार्टी फ्रीज हो बिकॉज गया दे आर सर। गोइंग टू, अभी भी फ्रीज हो गया। सो अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। या आई एम लूजिंग द थ्रेड। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू है ना, ये जो नालायक जो है एक नंबर का, वो उसने सबको चिट्ठी लिखी है और धमका रहा है। तो ना, दे आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड एनकरेजिंग। आप अब इसमें आप अगर इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो आपने कल परसों में ही सुना है ना, कुमार विश्वास जी का पुराना एक वीडियो सब जगह सर्कुलेट कर रहा है, उन्होंने बताया भी है लोगों को, इंटरव्यू में भी बताया भी कि भाई इसके पहले तो आप पार्टी के जो हेड थे हैं, उन्होंने यहां तक बोला था कि भाई हम आपस में लड़वा देंगे सरकारों, दो सरकारों को, और मैं CM बन जाऊंगा, है ना, लास्ट इलेक्शन में। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो जीत ही जाएंगे, तो उन्होंने बोला था इनको, कवि कुमार विश्वास जी को, कि भाई चलो आप भी चलो हमारे साथ में, और हम इन दोनों में झगड़ा लगा के खुद जो है चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो अगर उन्होंने वॉर्न किया, बताया भाई ऐसा मत करिए, है ना, पंजाब एक बॉर्डर का सूबा है, सिक्योरिटी इश्यूज भी है उसमें, टेररिज्म से बाहर निकला है, तो
वहां तक उन्होंने यहां तक बोला कि भाई ठीक है, ऐसे नहीं तो पंजाब अलग हो जाएगा, तो हम इंडिपेंडेंट कंट्री के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा भी उन्होंने बोला। दूसरा वो गुरदयाल सिंह करके जो है नोन आतंकवादी है, कैंपेन फॉर देम इन द लास्ट इलेक्शन, एवरीबडी नोज, इट इज ओपन सीक्रेट। केजरीवाल साहब जाके लास्ट इलेक्शन में कैंपेनिंग के टाइम में टेररिस्ट के घर में भी रुके हैं, है ना, टेररिस्ट लोगों के घर में भी रुके हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट के, ये सबको मालूम है। तो अब ये अरुण जी, ये क्या हो रहा है कि अभी नाउ इट हैज बिकम, आप इज गॉन टोल गॉन टोटली एंटी इंडिया एंड फॉर खालिस्तानी, एंड ऑन द अदर साइड यू आर ट्राइंग टू प्लेकेट हिंदू, है नहीं नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये वही दिल्ली वाला फॉर्मूला है। जिहादिस्ट को इस्तेमाल करके शाहीन बाग बनवाया सीलमपुर में, वो इनका वो नहीं था कौन दूसरा जो कॉरपोरेटर था, वो जिहादी स्पीचेस देता था, अमानतुल्ला खान, है ना, और ये नाराए तकबीर लगा के लगा लगा के जगह जगह पे इन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू कराया, बाद में राइट कराया, इसमें पूरा पूरा हाथ आप पार्टी का था। तो ताहिर हुसैन तो सबको मालूम है, आपका एक कॉरपोरेटर था ना, अमानतुल्ला भी आपका एक कॉरपोरेटर है, एमएलए है ना, हाजी यूसुफ भी सर आपका ही कॉरपोरेटर है ना, ये जो भी इसमें मिले हुए हैं, संजय सिंह इनका ही राज्यसभा का एमपी है ना, तो ये सबको मालूम है। राघव चड्ढा वही जाके फार्मर्स प्रोटेस्ट में जाके इधर उधर कर रहा था, उसी ने जाके ये लोगों को भड़काया था, है मनीष सिसोदिया से और संजय सिंह से वो ताहिर हुसैन ने पता नहीं कितनी बार बात करी, अमानतुल्ला ने कितनी बार बात करी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल से, ये सबको पता है। तो वही फॉर्मूला ये पंजाब में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दे आर गॉन टोटली एंटी इंडिया एंड हिंदू को ऐसे वो मतलब लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, या ऐसे दे आर यूजिंग द मुस्लिम कार्ड ऑफ अल मुस्लिम स्ट्रेटेजी ऑफ अल तकैया, मतलब झूठ बोल रहा है ना, वो पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं, है ना, वो सब वो जो जो कुछ भी है उनका, है ना, वो यमुना का साफ कर देंगे, फ्लाईओवर बना देंगे, इलेक्ट्रिक बस ले आएंगे, ये फलाना क्या बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, सबको मालूम है, सबको इसकी असलियत मालूम है। तो अभी ये चीज पंजाब में जाके वो करने वाले हैं, तो अब कैसे करेंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम औरतों को फ्री 1,000 रुपये पेंशन देंगे, अब पैसा है या नहीं है, पंजाब के पास 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है ना, ये लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के चक्कर में तो बर्बाद हो गए, जो अभी की सरकार है। तो आप इज टोटली गॉन ऑन दैट डायरेक्शन। दूसरा कौन है पंजाब में, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में अभी क्या हो गया है, कांग्रेस पार्टी में अभी इनके बहुत सारे धड़े हैं, एक तो कैप्टन साहब को इन्होंने निकाल के दूध में दूध से मक्खी जैसे निकाल के फेंक दिया, तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और दे आर टाइड अप विद बीजेपी, और एक अकाली दल का टूटा हुआ सेक्शन है, ये तीनों का टाइप हो गया, बीजेपी, अमरिंदर कांग्रेस एंड अकाली दल, ब्रेक अवे अकाली दल। दूसरा फैक्शन है कांग्रेस का, कांग्रेस जो ओरिजिनल कांग्रेस बची है, ट्रंकेटेड कांग्रेस, उसमें सब नाराज है, सबके अलग अलग गुट हैं। कौन है वो सुरजीत सिंह रंधावा अलग ग्रुप गुट है, रणवीर सिंह बुट्टी अलग ग्रुप गुट है ना, चन्नी अलग गुट है, सुनील जाखड़ अलग है, मनीष ये तिवारी अलग है, नवजोत सिंह सिद्धू अलग है, ये सारे अलग अलग अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कांग्रेस तो पूरी तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया है। दूसरा अभी चन्नी जी ने बयान दिया, पब्लिक बयान दिया, स्पीचेस दिए कि भाई यूपी के भैया और बिहार के भैया को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे, ऐसा वैसा वैसा। बारी गुरु महाराज तो खुद भैया थे, गोविंद राय पटना में हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था भाई, है अभी अभी आप बताओ। तो जिसने खालसा पंथ की फाउंडेशन करी वो कौन ही भैया था, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, ये स्वतंत्र भारत है, इसमें आपके ऐसे ये अलगाववादी ख्याल कैसे चलेंगे। तो इन्होंने अपने पांव को कुल्हाड़ी मार ली है, और ये जो
दीदी है, पिंकी दीदी ने ताली बजा बजा के हंस हंस के स्टेज के ऊपर नारा लगा लगा के यूपी में तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, पंजाब में भी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। अब तो इनको हिंदू तो वोट नहीं करेंगे, और जो सही मायने में जट सिख हैं या जो खालिस्त खालसा है वो तो इनको कभी वोट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई है, अब ये मान के चलो दोस्तों। जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, जो अभी तक मुझे ग्राउंड ऑन द ग्राउंड सिचुएशन पता लग रही है, वो ऐसी लग रही है। अभी जो चौथा जो धड़ा है वो किसका है, वो है शिरोमणि अकाली दल बादल। अब बादल का दल तो ऑटोक्रेटिक है, वो शुरू से रहा, उनका बहुत ज्यादा नाम खराब हो गया 10 साल में। उन्होंने बहुत ही उनका नाम बहुत बहुत खराब हुआ, एंड इट वॉज रूटेड इन करप्शन एंड ड्रग बिजनेस एंड ऑल दैट। इसके लिए बड़ी उनकी बदनामी हुई है, लोगों ने उनके ऊपर बड़े सारे आरोप लगाए हैं, है ना। ये कांग्रेस सरकार ने तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है ना, उनके सांसदों के खिलाफ है, मजीठिया के खिलाफ और इसके खिलाफ। तो बट वो एक फोर्स टू रेकन विद, क्योंकि अगर आप इन सब के साथ में अगर आप पंजाब का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, अरुण जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिस्कशन का। अगर आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसमें अबाउट 60 odd seats आर इन मालवा, सबसे बड़ा रीजन है, एंड 23 आर इन माझा, दुआबा है 29। तो एंड शिरोमणि अकाली दल इज वेरी वेरी स्ट्रांग इन मालवा रीजन, है ना। ट्रेडिशनली रही है, अभी है कि नहीं है ये तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लक्स है ना। उनका खराब हुआ है, बहुत लोग जो हैं ऐसे लोग हैं जो हेट करते हैं बादल को, दिल से हेट करते हैं, जट सिख समाज ही हेट करता है ना। तो अब वो एक तो वो है, दूसरा क्या है, बादल ने थोड़ा सा अपने लिए एक स्ट्रेंथ बार्गेनिंग पोजीशन रखी है, अपने लिए थोड़ा सा उन्होंने ताकत बिल्ड करने की कोशिश करी है। उन्होंने मायावती जी के बीएसपी के साथ में समझौता किया। अब दोस्तों ये आपको समझने की बात है, बीएसपी जो है वो शुरुआत, बीएसपी की शुरुआत कांशीराम जी ने पंजाब से की थी, और बीएसपी का जो दलित वोट होता है बड़ा ही सिक्योर और सॉलिड वोट होता है। तब इस समय उनकी पोजीशन थोड़ी सी सुधरी हुई लगती है, थोड़ी सी इस एंगल से अगर देखें तो, पूरे तरीके से तो नहीं होगा बट थोड़ी सी सुधरी हुई दिखती है। फिर भी दलित वोटों का विभाजन कांग्रेस के बीच में भी होगा और अकाली के बीच में भी होगा, ये तो पक्का है ना? अच्छा, इन सब के अलावा दोस्तों पांचवा फैक्शन भी है, आपको पता है। हम लोग सब कॉमरेड किसानों को क्यों भूल जाते हैं भाई, जो 29-30 किसान यूनियन है पंजाब में, छोटी 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 छोटी, उसमें से 22 किसान यूनियन ने साथ में आके एक पार्टी बनाई है, एसकेएम कुछ पार्टी बनाई है ना पंजाब में, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए है, राजे राजेवाल या क्या है उनका लीडर चुना है। तो अब कम्युनिस्टों की कभी कोई औकात ही नहीं रही है पंजाब में, पीपल हैव नेवर वोटेड फॉर देम। टू थिंग्स यू मस्ट नोटिस, हाँ फ्रेंड्स एंड अरुण जी, पीपल ऑफ पंजाब हैव नेवर वोटेड फॉर खालिस्तानी राइट फ्रॉम 1884 का ऑनवर्ड्स, आप ले लो है ना, दे हैव नेवर वोटेड फॉर खालिस्तानी एंड दे हैव नेवर वोटेड फॉर कम्युनिस्ट, है इनका एक अकेला नेता होता था हरकिशन सिंह सुरजीत, और दूसरे इनकी ट्रेड यूनियन होती थी, और थोड़ा बहुत जो है वो गांव में थोड़ा एक दो चार पांच 10 गांव में इनकी थोड़ा यूनियन बना के वहां पे एक्टिविटीज करते थे, जबरदस्ती उगरानी करते, बस ट्रेडिशनली इनका वो है। तो किसानों के नाम पे इन्होंने जो भी प्रोटेस्ट खड़ा किया, बट इनका कुछ वजूद ज्यादा है नहीं, और ये कुछ कर नहीं पाए, है ना। बिकॉज एक चीज और है, ये सारे किसान इनको, छोटे किसान तो इनको गाली देंगे, 92% फार्मर जो है पंजाब के 80 लाख फार्मर में से 92% फार्मर आर स्मॉल फार्मर हू हैव एकरेज लेस देन 2.5 हेक्टेयर, जिनकी जोत जो है 2.5 हेक्टेयर से कम है, और बच्चे हैं, अभी भी बच्चे बच्चियां हैं,
जिनको शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, शादी, तो इन सब चीजों के लिए वो बेचारे लोन लेते रहते हैं आढ़तियों से या इन बड़े किसानों से। एम वो और गरीब होते जाते हैं, जमीन भी इनकी छिन जाती है। तो उन लोगों को 2 साल तो ये चला ना, करीब 1-1.5 साल तक ये ऑर्डिनेंस के तौर पे आया था, है ना। तो सरकार ने खरीदी की और डायरेक्ट उनको पेमेंट किया। तो एक पेमेंट जो है इनको एक या दो पेमेंट डायरेक्ट अभी आई है, एक पेमेंट डायरेक्ट आई है अभी अभी। तो इसमें जब किसान लोग हैं उनके रिएक्शन आया, पंजाब के किसान बोलते हैं सर इतना पैसा एक मुश्त हमको कैसे आएगा, हमको आगे हमें विश्वास नहीं होता, अभी तक हमने इतना पैसा देखा ही नहीं। और अभी जो हम फसल बेच के आएंगे वो भी हमको मालूम नहीं इतना पैसा कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब जो है आप देखना, ये सारे जितने छोटे फार्मर्स हैं दे विल वोट अगेंस्ट दीज कॉमरेड किसान दीज कम्युनिस्ट। तो रियल लड़ाई दोस्तों जो होगी वो होगी अकाली दल बीएसपी कॉम्बिनेशन, बीजेपी अमरिंदर सिंह और ब्रेकअवे अकाली दल फैक्शन, दूसरा फ्रंट, थर्ड फ्रंट में आप रहेगा और फोर्थ फ्रंट कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस विल बी अ वेरी पुअर फोर्स, है ना। बहुत जिनको भी हमने बात की है, जो जानकार है पंजाब के जानकार है, तो ये बोलते हैं कि कांग्रेस इज एज गुड एज फिनिश्ड, उसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाए। थैंक यू सर, आगे आप सवाल थैंक पूछें। धन्यवाद। यू वेरी नो मेरा पूरा 2-3 सवाल रखा था उसका भी इसमें पूरा आंसर आ गया है। मैं लेकिन आई कंटिन्यू विद दैट कपल ऑफ थिंग्स सर एंड पीपल कैन ज्वाइन आल्सो। आई विल शेयर द लिंक सो दैट पीपल कैन ज्वाइन सो दैट उनको भी लेट इट बी एन ओपन हाउस डिस्कशन। लेक्सिंगटन जी स्वागतम। तो One point which I wanted to mention is I will link both, you know, the so-called आपने so-called farmers के बारे में बोले थे, एक तो वो है। दूसरी बात है दलित समुदाय जो है, मोर देन 35% पीपल आर देयर देन दलित, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल आर एज उज्जवल जी मेंशन लैंडलेस फार्मर्स, जिसके पास लैंड ही नहीं है, तो दूसरों की इसमें जाके काम करते हैं, है ना। वो है। एंड इसके प्रॉब्लम क्या है, 1964 का पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक 33% ऑफ शामलक लैंड शुड बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, वो है। लेकिन अच्छा सुनाई दे रहा है, कनेक्टिविटी नहीं, आपका वो थोड़ा सा क्रैकलिंग आ रहा था वॉइस में। ठीक है ठीक है। अभी अभी ठीक है सर, अभी ठीक आ रहा है। नाउ इज इट ओके। सो वो क्या है, 1964 का वो एक्ट के मुताबिक 33% ऑफ द लैंड शुड बी गिवन टू द शेड्यूल कास्ट पीपल, वो है। लेकिन सिर्फ पेपर में, सिर्फ लॉ के मुताबिक, बिकॉज एज उज्जवल जी हैज मेंशन नो, ये बड़े फार्मर जो हैं, ये बड़े नेता जो हैं, दे आर नॉट गिविंग देम, सो दे आर द पीपल हु आर सफरिंग द मोस्ट। सो उज्जवल जी का जो बात है मैं उसे समझता हूँ। बीएसपी का वो अकाली दल का एक मास्टर स्ट्रोक है बीएसपी का जुड़ना, बिकॉज दे आर ऑल वेरी वेरी एंग्री पीपल, दे आर वेरी डिसहार्टन पीपल सिटिंग देयर। तो उनके वोट इज वन मेजर फैक्टर ये इलेक्शन पे, आफ्टर ऑल दिस नाटकबाजी जो स्यूडो फार्मर्स के ऊपर किए थे, द अफेक्टेड पीपल आर ऑल्सो दिस डेली डेली एवरेजेस, बिकॉज उनके पूरे फार्मर्स के नाम ही खराब कर दिया इन लोग जाके, यू नो उनका खमाई भी गया हो गया। हाँ एक सिमिलैरिटी आपको बताना चाहता हूँ अरुण जी और दोस्तों, जो हमने लास्ट सेशन अपना उत्तराखंड के ऊपर किया था उसमें भी हमने बात किया था ना लॉ की, है ना। वहां पे भी पहले, और उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में, एक्चुअली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तो एक ही था, पुराने जमाने में एक लॉ होता था कि ये जो है नोबडी कैन इवन आउटसाइडर कैन नॉट बाय मोर देन एक्स एकर्स ऑफ लैंड, है ना, एंड दिस मच परसेंटेज ऑफ लैंड हैज टू बी फॉर शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स, मोर इम्पोर्टेंट शेड्यूल ट्राइब्स। उत्तराखंड यूपी में जो ज्वाइंट यूपी था उसमें, और पंजाब में जैसे शेड्यूल कास्ट का है, तो इसमें जरूरत क्या है, दोनों जगह से जरूरत अभी ये है कि
है ना, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के तराई रीजन, उत्तराखंड के तराई रीजन, एंड वैसे उत्तराखंड में और पंजाब में। दोस्तों समय की मांग ये है कि सरकार को इसमें एक बड़ा ही टफ लॉ लेके आना चाहिए, है ना, इस तरीके का, और अर्बन लॉ एज वेल एज रूरल लैंड सीलिंग करानी चाहिए। जब तक ये नहीं कराएंगे ना, तब तक ये बेचारे छोटे फार्मर या लैंडलेस जो लेबरर्स हैं वो वैसे ही गरीब रहेंगे, दलित दलित गरीब ही रहेगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा है। या दिस दिस पुअर पुअर मैंस जो पार्टी है ना, अपने एज ओल्ड पार्टी, सबसे गरीब बेटे गरीबी हटाएंगे बोल के इनको पुअर ही रखे हैं अभी तक। एंड द वर्स्ट पार्ट सर, व्हाट आई हैव सीन इज दिस पंजाब का जो यू नो द पुअर फार्मर्स में इन लोग ने खुद बंटवारा किए हैं। देर आर मोर देन 39 सब कास्ट एंड दे सॉट दैट दे डोंट कम टुगेदर बिकॉज उनको वोट चाहिए। जो शिवानी जी ने अभी लिखा है ना, सी वो वोट और मत का जो उनका ये लत जाता है ना, दे आर वेरी वेरी हाई। अभी दैट पर्सन सो कॉल्ड आईआईटी एंड पास आउट, अब देखो ऐसा ही वाज ब्रूम स्टिक का एक स्टिक की तरह दिख रहा था व्हेन ही केम इन इनिशियली, यू नो वो अन्ना हजारे जी के पे कुचल के अभी ऊपर आ गया। अभी देखो ही इज रेडी टू सेल द खाई का आप मोल है खुली ना हो गए अभी। अरुण जी। हाँ जी अभी अभी ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। पार्टी का और ये जो 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 दैट मोह है ना, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। अभी अब सनातन में भी, आई मीन जस्ट लिटिल लिटिल ऑफ ऑफ ट्रैक बोलता हूँ, सनातन में वन ऑफ द इफ यू लुक भगवद गीता में क्लीन लिखा है ये सत्ता का मोह, उसके बारे में भी एक सेपरेट चैप्टर है। यू नो दैट इज वन मोर थिंग एंड दे हैव एक्चुअली मेंशनड अबाउट इट when श्री कृष्णा वाज स्पोक टू अर्जुना अबाउट यू नो द हाउ वाई दुर्योधन इज लाइक दैट, यू नो दे आर ऑल ब्रदर्स राइट, दैट्स व्हाट ही वाज आस्किंग। ओके कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये जो सूडो फार्मर्स का अब झगड़ा देखिए देखिए, एज उज्जवल जी वाज मेंशनिंग नो द एक्चुअल फार्मर्स डाउन साउथ इन एपी, उनका भी क्या है, दे आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, दे आर स्टिल गेटिंग इट एज अ डायरेक्ट थिंग, उनको इन लोग स्टॉप करना है। और दूसरी लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट इट, उज्जवल जी स्पोक अबाउट दी यू नो द यू नो द कनेक्शन बिटवीन दिस रिलीजियस, एक मिनट रुकिए एक मिनट सर, सो द सो कॉल्ड एसजीपीसी, नो एसजीपीसी जो बोलते हैं ना उनका, दे आर एक्चुअली गवर्निंग कमिटी ऑफ ऑल देयर गुरुद्वारास, बस दे आर रिलीजियस, सपोज टू बी रिलीजियस, बट उनके सब के सब पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड है सर। हिपोक्रेसी देखिए, AM IM MIM जो भी बोलते हैं, मुस्लिम लीग जो बोलते हैं, ये पार्टी जो बोलते हैं, ये अभी जो है ना, ये सब ना देयर आर रिलीजियस बट दे गेट इन टू पॉलिटिक्स, उसमें कोई गलती नहीं है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर आरएसएस आ गया तो इनको प्रॉब्लम है, बजरंग दंगल आ गया, एक्सट्रीमिस्ट फैसिस्ट है। ये क्या है सर, दिस इज वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, सिर्फ हिंदुओं को पूरे पूरे करना है क्या बात ये जो प्रॉब्लम है अरुण जी और दोस्तों, ये तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट इनको चेंज करना है, और ये और दूसरा ये सारी पार्टीज को आउटलॉ करना है, बंद करो ना। ठीक है, बजरंग दल आरएसएस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो AIMIM भी नहीं होना चाहिए, मुस्लिम लीग भी नहीं होना चाहिए, ये SAD भी नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो SGPC में SAD का कोई मेंबर नहीं हो सकता भाई, आप पॉलिटिकल ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, कोई जथेदार SAD का पॉलिटिकल ऑफिस नहीं ले कर सकता, कंटेस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसा करना पड़ेगा, है ना, कैंपेनिंग नहीं कर सकते आप रिलीजन को यूज करके। तो उसके लिए पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट इन सरकार को मॉडिफाई करना चाहिए, और ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये लोग कभी करेंगे नहीं। बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन का डिस्कशन कर रहे हैं अरुण जी, इसमें एक तो ये आप पार्टी को बहुत कम लोग वोट देंगे, मतलब उन्होंने अपनी विकेट खुद कमजोर करी है, कुमार विश्वास ने तो पूरा उनको उधेड़ कर दिया, जो उनकी असलियत बताई है, बिकॉज ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आप, और ये बहुत बार बता चुके हैं मैंने, ये जो उनका वक्तव्य है ये बहुत बार सुना है, कम से कम 20-25 बार सुना है। तो
उनको पता है, ये सबको पता है कि ये ट्रू है। तो अभी उन्होंने क्या किया, हाँ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में पंजाब को, सीईओ पंजाब को कंप्लेंट किया कि ये आप ये इसका ब्रॉडकास्ट जो है बंद कराइए, है ना, ये जो वायरल हो रहा है इसको बंद करवाइए। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया भाई कोई ये क्लिप नहीं दिखाएगा, ऐसा वैसा करके। एडिशनल सीईओ, एडिशनल सीईओ मतलब ही मस्ट हैव बीन ब्राइब्ड। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, आई एम स्ट्रेट अवे एलिगिंग दैट ही हैज बीन ब्राइब्ड, ही हैज बीन मैनेज्ड बाय आप, जस्ट लाइक दे हैव थ्रेटन्ड द टीवी चैनल्स टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग दिस, अदरवाइज दे विल टेक एक्शन। एक्शन क्या है मालूम है अरुण जी? वो जो ये लोग 800-900 करोड़ जो है वो 3-4 महीने में, हर 4 महीने में खर्च करते हैं ना इलेक्शन के टाइम में एडवर्टीजमेंट में, है? दिस इज व्हाट, दिस इज ब्राइबिंग ऑफ द चैनल्स। हर रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर रोज फुल पेज ऐड दिखाएंगे, है सारे न्यूज पेपर में, इंडिया में स्टेट का इलेक्शन है और इतना छोटा सा टिड्डी सा स्टेट है जिसका वो सही मायने में स्टेट भी नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में और सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर 24/7 वो लोग एडवर्टीजमेंट चलाएंगे। तो उन्होंने सबको ब्लैकमेल किया, धमकी दिया, तो अभी क्या हो गया, रिपब्लिक से लेकर सारे चैनल्स उन्होंने बंद कर दिया, उनका स्क्रिप्ट ब्रॉडकास्टिंग, उनके ऊपर बात नहीं कर रहे, उनके ऊपर प्रोग्राम नहीं बना रहे, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, है सारे, एनडीटीवी तो करेगा ही नहीं, है ना, आज तक भी करेगा ही नहीं, इंडिया टुडे भी नहीं करेगा, है इवन रिपब्लिक ने छोड़ दिया। आप ये सोच लो कि वो लोग इस तरीके से ब्राइब करते हैं, उन्होंने ब्लैकमेल किया, लेकिन वो फिर भी सोशल मीडिया का तो दबा नहीं सकते, और लोगों में ये बात फैल रही है बड़े अच्छी तरीके से, बड़े बुरी तरीके से फैल रही है। दूसरा ये भी फैल गया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरा खालिस्तानियों के साथ में, और लास्ट टाइम भी उनको काफी फंडिंग आई थी वहां से, तो उन्होंने मतलब ये तो, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको वोट कम मिलेंगे, वो जितना सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये ट्राइकोनाइट कॉन्टेस्ट होगा इफेक्टिवली, है ना, विथ वन फैक्शन बीइंग आप, सेकेंड फैक्शन बीइंग शिरोमणि अकाली दल दैट इज एसएडी एंड बीएसपी, एंड थर्ड फैक्शन बीइंग बीजेपी अमरिंदर एंड ब्रेक अवे अकाली। तो ये तीन फैक्शन का बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इट विल बी स्ट्रेट फाइट बिटवीन अकाली एंड बीएसपी एंड बीजेपी एंड अमरिंदर, बाय एंड लार्ज मुझे तो ऐसा लग रहा है, और इसमें कुछ भी हो हाँ सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ले जाएगा दूसरा ले जाएगा, जैसा आपको मालूम है अकाली का नाम भी बहुत खराब है ना, बिकॉज वो बादल का वो बस माफिया है, फिर वो मजीठिया के ऊपर काफी आरोप लगे हैं ड्रग के, फिर इन लोगों का भी बहुत बहुत सारे दूसरे आरोप लगे डिस्टिलरी के, है ना, ये जो मैनिपुलेशन करते हैं ना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, तो इसको कंडेम करा के दे बाई फ्रॉम देयर डिस्टिलरीज, बेनामी डिस्टिलरीज, एंड दे यूज इट एज रॉ मटेरियल। तो इन लोग का नाम तो बहुत खराब है, प्लस इनकी मंडी है जिसमें ये लोग चार्ज करते हैं 8-8 टका चार्ज करते हैं मंडी टैक्स, 8% वेरी हाई है, किसी स्टेट में नहीं है, नॉर्मली स्टेट के जाते मैक्सिमम 2%। सर दूसरी बात, एक मुद्दे की बात बोलता हूँ। दिस आई थिंक वी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्ट विद दिस सो कॉल्ड पीपल लिविंग इन एनआरआई, एनआरएस जो बोलते हैं ना, एनआरआई वहां के पंजाब के लोग से, उनका कनेक्शन दिस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनके कनेक्शन से क्या है कि दे एक्ट एज द मिडलमैन ट्रैवलिंग एजेंट्स, बहुत लोगों को यहां से बेचते हैं बाहर, इसीलिए वहां पे जो बैठे हैं ना लोग, दे विल ऑल बी सपोर्टिंग दिस पीपल ओनली। सो उनका दिस पीपल हैव प्लेड अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स। और सर वो दो बात हो गया, और एबल टू हियर बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड सर, आपका कनेक्शन की मेरा कनेक्शन पता नहीं। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज क्लियरली आ रही है, कैन ठीक है ठीक यू है, हियर मी क्लियरली नाउ? अभी थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस, वो थोड़ा गिटार बज रहा है तो नहीं, आपका वॉइस बीच बीच में आ रहा जा रहा है। ओके सर, लेट लेट जी गेट हाँ बैक टू सर, दैट। ओके अभी अभी ओके लेट मी गेट बैक टू, आई विल फिनिश इट ऑफ।
ये हमने ये रिलीजियस पार्टीज के बारे में बातें किए थे, देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट द किसान नेता। वो तो उज्जवल जी बोल दिए कि वहां पे उनका पार्टी भी फॉर्म हो गया, कम्युनिस्ट किसान उनका भी कोई यूज नहीं है, दे जस्ट फॉर द नेम सेक दे आर सिटिंग देयर। उनका भी थोड़ा वो लत आ गया है कि पार्टी लड़ेंगे ना, इलेक्शंस लड़ेंगे, ठीक है, उनका भी लग लीजिए। थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट आई वॉज ओके एक मिनट सर, विच वी ऑल्सो डिस्कस्ड वॉज अबाउट द खालिस्तानीज, राइट। खालिस्तानी का भी एक्शन अभी उज्जवल जी आपका भी कनेक्शन बोल दिया है। सो दीज आर द थ्री पीपल, थ्री मेजर थिंग विच आर गोइंग टू अफेक्ट देम। वी स्टार्टेड विद दैट यू नो द दलित पीपल, देन वी स्टार्टेड विद द रिलीजियस थिंग, देन किसान नेता के बारे में बातें किए थे, देन वी टॉक अबाउट खालिस्तानीज ऑल्सो, ठीक है। ये चार लोग है ना, दे विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन दिस। सो अभी उनका इफ यू लुक एट द वे देयर मैनिफेस्टोस ऑल्सो देखिए तो एवरीबडी इज टेलिंग दे वॉन्ट टू गिव, आई मीन दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दीज फोर पीपल ओनली, यू नो एक्सेप्टिंग प्रॉब्लम खालिस्तान छोड़ दीजिए, नो बडी वॉन्ट्स टू टच दैट, इवन विद द बार्स पोल दे वोंट वॉन्ट टू टच दैट खालिस्तानी इश्यू, बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू टच दलित का, दे वॉन्ट टू डू फार्मर्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एवरी पार्टी हैज टोल्ड सर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बिजली, वाटर, फ्री लैंड, अरे कितना देंगे सर, फ्री 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 फ्री, यू ना इवन बीजेपी जॉइंट हैंड इन सेड दैट। वो मेरे को यू नो आई डोंट फील गुड अबाउट इट। हाँ सर, सर इसमें क्या है, जैसे आपने दिल्ली में किया ना फ्री फ्री फ्री, ऐसे ही उसने जाके उत्तराखंड में किया, तो इसी वजह से वो और यूपी में समाजवादी और इन लोगों ने किया, तो बीजेपी वॉज फोर्स टू डू दिस। बट एक्चुअली इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट शुड रूल दिस काइंड ऑफ फ्रीबीज शुड बी आउटलॉड डिसलॉड। आपने देखा होगा ना मिक्सी, ये वो हम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो सारा बंद कराओ यार, ठीक से गवर्नेंस करो, पैसे का सही इस्तेमाल करो लोगों की भलाई के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सी टुडे इफ यू गिव जॉब्स टू पीपल, टू यंगस्टर्स या रेगुलर पावर, या यू कैन गिव चीपर पावर, यू डोंट नीड टू गिव फ्री पावर, द पावर कैन बिकम चीप इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सोलर ग्रिड एंड ऑल दैट एंड रीहॉलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रिड। यू कैन रेज द पावर जनरेशन एज वेल एज यू कैन ओवरऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन रिड्यूस द टीएनडी और लॉसेस। ओके, तो आप पावर दे सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा है ना, तो उसमें क्या होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से होगा है ना, तो पावर बिल्स भी कम हो जाएंगे, आप कम चार्ज कर सकते हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो दैट इज अ बेटर वे ऑफ गवर्नेंस देन यार जो है बैंकरप्ट स्टेट है सर, आपको पता है पंजाब बिल्कुल बैंकरप्ट स्टेट है सर, और केजरीवाल ने दिल्ली भी बैंकरप्ट कर दिया है। आज अभी देखो उसके घर के आगे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, कितने दिन से धरना चल रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है उन लोगों को सैलरी देने के लिए, 3 4 4 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं मिली है। लास्ट टाइम वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सफाई वर्कर, उनको सैलरी नहीं लिया था इसने, तो दिल्ली का पूरा गार्बेज उठाना बंद हो गया था, और इस बार ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स का इन्होंने सैलरी नहीं दिया। आपको मालूम है 2 साल पहले ये इसने इसके पास डॉक्टर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, हेल्थ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो ऐसे जो है ना ये तो कहीं ना कहीं कोर्ट हैज टू स्टॉप इन, स्टॉप स्टेप इन एंड स्टॉप दिस, एंड देयर हैज टू बी अ लॉ अगेंस्ट दिस, यू कांट डू दिस, यू कैनॉट बी अलाउड। आपका अगर मैनिफेस्टो है तो फिर आप प्रूव करिए कि कहां से आएगा पैसा, प्रूव इट टू द पीपल एंड इट हैज टू बी ऑडिटेड है ना, आई मीन इट शुड बी लीगली चैलेंजेबल एंड दे हैव टू देन अमेंडेड आप ना, ऑलवेज से अंटिल आई टेक देन इट फ्रॉम द पब्लिक, नो आई टेक इट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक फंडिंग है बल्कि बोलते हैं। नहीं नहीं कुछ सर नहीं होगा। सर दूसरी द सेम टॉपिक, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस फ्री बीज व्हिच आर गिवन, राइट, एक और मैनिफेस्टो में एक आइटम था कि दिस इज अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ पॉइंट, यू नो अगेन ऑल द पार्टीज हैव प्रॉमिस्ड दिस, 50 to 70% ऑफ द जॉब्स अश्योरिटी फॉर पंजाबीज, डू यू थिंक इट इज अ राइट आइडिया सर? सर आपको सीधा सीधा बताता हूँ, हाँ सीधा सीधा बताता हूँ,
दिस काइंड ऑफ टेररिज्म विल नेवर वर्क, है ना, इट विल नेवर वर्क इन दिस कंट्री. इंडिया हैज बीन देयर, ये सनातन अखंड भारत हजारों हजारों साल की संस्कृति है, इसमें ये चलेगा ही नहीं. इनको लोग उठा के फेंक देंगे जो लोग ऐसी बातें करते हैं, है ना, कि पंजाब फॉर पंजाबी. अरे व्हाट डू यू मीन, यूपी फॉर यूपियंस, है दिल्ली फॉर दिल्लीआइट, पंजाबी को घुसने नहीं देंगे, सरदार को घुसने नहीं देंगे, ये कोई मतलब है क्या? ये सब बकवास है, ये इसका कोई मतलब नहीं है. मैं सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, ये सब भूल जाओ, इनको लात मारो जो ऐसी बातें करते. सर, दूसरा ऑल क्या द है, पार्टीज, सभी पार्टीज के सुनिए मैनिफेस्टो सुनिए, में है ये। हाँ नहीं नहीं सुनिए, आप बात सुनिए. अभी ये इन्होंने बात किया ना, यूपी और बिहार के भैये, अपने गुरु जी को भी इन्होंने भैया बोल दिया. और प्रियंका गांधी कहाँ पैदा हुई है, उसको उसका पिताजी कहाँ पैदा हुआ है, उसके नाना पर नाना कहाँ थे, वो भी तो यूपी के भैया है ना. वो इसने तो खुद के लोगों को भैया बोला. अब सुनो, आज के तारीख में अगर यूपी बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड इधर से अगर लेबर नहीं जाएगी ना पंजाब में, तो उनका पूरा पूरा एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है बंद हो जाएगी. आप क्या समझते हो, जो 85% 80% लैंड जो है 25% पीपल ओन करते हैं, वो लोग खेती नहीं करते, वो जमींदार है भाई. खेती उनका बटाई से लेके कोई दूसरा करता है, शेयर क्रॉपिंग, और ये बाहर से लेबर आके करते हैं. आप समझ में आया, तो इनका पूरा फार्मिंग कोलैप्स हो जाएगा पंजाब का अगर यूपी बिहार के लेबर आना बंद कर दें, और झारखंड के और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के, तो इनका पूरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है बैठ जाएगी पंजाब की, फिर ये कहाँ जाएंगे, है ना. दूसरा सुनो, आप जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो टॉप लीडरशिप पोजिशन है, आईपीएस आईएएस हैं, वो सारे ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो मोस्टली बाहर से है, पंजाब के बाहर से. आप देख लो कितने पंजाबी हैं, सिलेक्शन ही नहीं होता इनका, कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस में जाते हैं या दूसरी चीजों में जाते हैं, दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं. वैसे गुजरात का भी ऐसे ही है, दे प्रेफर टू डू बिजनेस इंडस्ट्री, इधर उधर दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, है ना, नौकरी पेशा लोग बहुत कम है, इसके लिए वो हायर एशलॉन्स में ब्यूरोक्रेसी में नहीं होते. वही हालत पंजाब का है. तो ये सब बेवकूफी है ना, ये सब बेवकूफी है. ये दिस डज नॉट मीन एनीथिंग. वो एक ने डाला तो दूसरा भी डालेगा, उसको डालना मजबूरी है ना. ये सब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है. एग्जैक्टली सर, बिकॉज 35% 50% 70% देना, एक शॉप मैंने 30% बेच रहा, मैं डिस्काउंट देगा, मैं 50% दूंगा. आई मीन दे हैव मेड पॉलिटिक्स अ बिग जोक सर, पंजाब में सभी में मोर पार्टीज, दैट्स व्हाट आई वाज वेरी एंग्री, लाइक एटलीस्ट कोई तो सेम पार्टी होनी चाहिए सर. इसने बीजेपी ने बोला हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, है ना, अकाली दल ने बोला, है ना, अकाली दल ने बोला हम मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दलित को बनाएंगे. कांग्रेस ने लास्ट लास्ट में जल्दी से 21 का क्वेश्चन को दलित करके बिठा दी. तो ये दलितों ने इन सबको लात मारना चाहिए यार. ये क्रिप्टो क्रिश्चियन आके दलित बनेगा तो फिर दलितों के सारे रिजर्वेशन खा जाएगा, जितने बेनिफिट उनको मिलने चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम मिलनी चाहिए, सब खा जाएंगे ये लोग जितने क्रिप्टो क्रिश्चियन है. क्यों मिलना चाहिए, या जिहादी मुस्लिम है, क्रिप्टो जिहादी मुस्लिम है, तो दलितों को तो इन दोनों को लात मारना चाहिए, है ना. और दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ बोलिए बोलिए. नो नो, माय क्वेश्चन वाज अगेन द सेम थिंग, एम्प्लॉयमेंट का तो हो गया है और ये सब लोग बातें कर रहे हैं. अगेन द सेम क्वेश्चन आई विल कम बैक, बिकॉज मेरा आप जो स्टार्टिंग में शुरू किया ना, वही पंजाब इज अ मेन स्टेट. आपने बोला था इट इज बिकॉज ऑफ बॉर्डर स्टेट सिक्योरिटी. कोई भी मैनिफेस्टो आप देखे हैं सिक्योरिटी के बारे में, कोई भी कुछ नहीं बोल रहे? आई थिंक बीजेपी बीजेपी एंड अमरिंदर हैव टॉक्ड अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एंड पंजाब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ बोथ हिंदूज एज वेल एज सनातन हिंदूज एज वेल एज सिख्स, सनातनी सिख्स. बट
व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग व्हेन सिक्योरिटी इज व्हेन यू सेइंग मैनिफेस्टोस में ऐसे होनी चाहिए कि बॉर्डर्स में जो करेंगे ये करेंगे, बॉर्डर विलेजेस को तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाएंगे, दैट कैन ऑफ थिंग, यू नो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट. नो आई डोंट सी एनी पार्टी देखो डूइंग. सर, जो अभी डेसिबल चल रहा है कैंपेनिंग का, हाँ अरुण जी और दोस्तों, उसमें आप सीधा सीधा देख लो क्या आवाज आ रही है, बातें किस पे हो रही है। सिक्योरिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो क्या बातें हो रही है ना। केजरीवाल का लैंग्वेज तो आपने देख सुन ही लिया है, वो तो पूरा खालिस्तानी है ना, और माओवादी है। फिर कांग्रेस की लैंग्वेज आपने सुन ली है ना, ये पंजाब अलग राज्य है, भारत का पार्ट नहीं है, है तमिलनाडु अलग राज्य है, झारखंड अलग राज्य है, राजस्थान अलग कल्चर है ना, ये सब मिलके भारत बना है, बने हैं, लेकिन इनका कल्चर अलग है, इनका सब कुछ अलग है, ऐसा बोलता है ना पप्पू। राहुल गांधी नहीं बोला था ना, संसद में बोला था ये। दूसरा वो चन्नी क्या बोलता है कि भैया को मत करो, ये मत करो, है ना, गुरु महाराज की बेइज्जती की रही इन्होंने। इनको तो तनखैया डिक्लेयर करना चाहिए। सिख पंथ ने जितो जो गंती गंती और जत्थेदार है अकाल तख्त के दमदमी टकसाल के, इन्होंने इसको चन्नी को और उसके परिवार को तनखैया डिक्लेयर कर देना चाहिए, सिख समाज से बाहर निकाल कर फेंकना चाहिए। ये वैसे भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है, गुरु महाराज की बेइज्जती कैसे कर सकता है, एंड इंसल्ट टू द एंटायर खालसा पंथ। तो एक तो वो क्या क्या लैंग्वेज कर रहे हैं, कांग्रेस क्या लैंग्वेज बोलती है, उसके आप देख लेना। ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज माओइस्ट से मिलते जुलते हैं और ISI, जो इमरान खान बोलता है वही लैंग्वेज ये बोलता है ना, ये कांग्रेस ही बोलते हैं। तो अब इसमें आप टोटल डिस्कोर्स अगर देखेंगे तो आप और कांग्रेस के ऊपर तो आप चौकड़ी मार दो, एंटी इंडियन क्या लेबल चिपका दो, है ना। तो आप ये बिल्कुल, ये तो सर्टिफाइड है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सिक्योरिटी इश्यूज पे, बॉर्डर स्टेट है उसकी सिक्योरिटी के लिए, नेशन की सिक्योरिटी के लिए जो बात हो रही है आज, तो शायद एक ही पार्टी की हो रही है, अमरिंदर जी ने तो एटलीस्ट राइट, ये आपको मानना पड़ेगा, राइट फ्रॉम एटलीस्ट आई हैव सीन हिम फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स आई एम वॉचिंग हिम, एटलीस्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। एंड बीजेपी ऑफ कोर्स इज टॉकिंग अबाउट, तो ये दोनों पार्टियां तो नहीं बात करती। दूसरा एक और चीज है दोस्तों, अब ड्राइवर्स क्या हैं, इन्फ्लुएंसिंग ड्राइवर्स क्या क्या हैं पंजाब में, आप बोल सकते हैं। एक तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसके मैनेज सारे गुरुद्वारे हैं, है ना, वो लोग हैं। देन गुरु सिंह सभा करके एक इन्फ्लुएंसिंग, वो शायद पंजाब के बाहर है, जनरली उसके गुरुद्वारे तो पंजाब में उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। दूसरा ये रविदासिया पंथ है, उनके जो रिलीजियस सेक्स हैं। इसके अलावा अरुण जी, ये यहाँ पे पंजाब में डेरा का इन्फ्लुएंस बहुत होता है ना, और इसमें जो प्रमुख डेरे हैं करीब 12 ऐसे डेरे हैं, है ना, और आप देख लो उसमें आप निरंकारी समाज अलग होता है, नामधारी सिख का अलग डेरा है, भाईनी साहिब है ना, डेरा सच्चा सौदा अलग है, डेरा सचखंड अलग है ना, राधा स्वामी व्यास अलग है ना। इस तरीके से देर आर अबाउट 5-6 जो है वो मेन डेराज है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अबाउट 40-45 सीट को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, और इनका डिसाइडिंग वोट होता है, बड़ी लार्ज फॉलोइंग है पंजाब में, हरियाणा में इनके डेरा की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है ना। और ये जिसको भी बोलते हैं गुरु, उनके जो रहते हैं डेरा के हेड, उन्होंने जिसको बोल दिया तो ये आप ये समझ के चलो कि 99% वोट जो है वही उन डेरों जाएगा. का, उनके फॉलोअर्स का, वो ही है। तो करीब 12 डेरे हैं, वो करीब 50-55 55-60 सीट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, 55-58 सीट्स को। उसमें से 40-45 जो है वो करीब 6 मेन डेरे जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब जरूरत ये है कि अभी बाकी आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने भी आई थिंक कल कुछ मीटिंग किया है कुछ डेरे वालों से भी मुलाकात कल की है जाके मिलके क्या ना। क्या है. हाँ, पैनी साहब, भाईनी साहब के जो लीडर थे, वो
उनसे भी, जो नामदारी सिख के जो लीडर हैं उनसे भी बात किया है ना। तो निरंकारी समाज है वो भी अलग है ना। अमित शाह साहब जो है वो उधर अकाल तख्त गए थे है ना, कल उन्होंने भी मुलाकात करी है, कल पक्ष में बीजेपी में, फिर दमदमी टकसाल में भी इन्होंने मुलाकात करी है। दमदमी दमदमी टकसाल के रिप्रेजेंटेटिव भी कल थे पीएम की मीटिंग में। तो पटना साहिब के ग्रंथी थे, जथेदार थे। तो अब ये देखिए, ये तो चलेगा, ये लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं है ना। दूसरा जो इनका जो समाज है, जैसे दलित समाज है, वो अब उनके जो लीडर्स हैं उसमें मोर ऑफ मायापति एंड हर लेफ्टिनेंट इन पंजाब हु विल गिव देम नो द कमांड। तो अब वो उतना ज्यादा तो उनका होल्ड नहीं है जितना दिल्ली या इधर वेस्टर्न यूपी में या यूपी में है, लेकिन फिर भी है, अच्छा खासा होल्ड है, क्योंकि बीएसपी की शुरुआत ही पंजाब से हुई थी, आपको याद है। तो अब इस तरीके के ड्राइवर्स हैं जो वोट को इन्फ्लुएंस करेंगे है ना। बाकी रविदास समाज का तो उनका अपना अलग ही वो है। इसके अलावा दोस्तों और अरुण जी, हमने लास्ट सेशन में बड़ा डिटेल में बात किया था, कन्वर्जेंस बड़े जोर से हो रहे हैं, और हाल के लास्ट 10 साल में जो हम देख रहे हैं, जो 7-8 साल में देख रहे हैं, क्रिश्चियन कन्वर्जेंस, ये एवेंजेलिकल माफिया जो है वो तो कांग्रेस राज में कुछ माता श्री की कृपा से कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है, एक्टिव, हाइपर एक्टिव। तो आपको पता है पंजाब के कुछ 12,000, मतलब 12-15 हजार गांव में से 12,000 जो इनके ऑलरेडी जो है क्रिश्चियन डिनोमिनेशन चर्चेस हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन के 12,000 गांव में, 12,000 गांव में, मतलब ऑलमोस्ट 80%, 70-80% गांव में पंजाब के इनका ऑलरेडी प्रेजेंस मौजूद है। और कई पांच चार पांच सेक्ट हैं इनके जो बड़े एक्टिव हैं, और हर एक जो है उसमें इनके जो है कम से कम नहीं तो 50-60 बहुत बड़े बड़े चर्चेस इन्होंने बड़े चर्चेस बनाए हैं। और अभी इनका प्लान है कि 4-5 खूब बड़े चर्चेस बनाएंगे, तो बड़े बड़े जो पैरिश है जैसे जलंधर जहाँ का वो फ्रैंको मुलक्कल था, लुधियाना जलंधर ऐसी जगहों पे ये बना रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग जो है, इनका तो आपको मालूम ही है, तो गुजरात इलेक्शन में भी उन्होंने किया था है, और कर्नाटका इलेक्शन में भी किया था है ना, गोवा इलेक्शन में भी यही हुआ था। ये डायोसीज वाले जो है ये लेटर लिखते हैं अपने पैरिश वालों को, इसको मत वोट करो, इसके अगेंस्ट मत वोट करो। तो इनका ये भी एक इन्फ्लुएंशियल ड्राइवर है, बट कम है इनका, इनकी दे विल नॉट हैव एनी मीनिंगफुल वोट कन्वर्जन एज ऑफ नाउ। हाँ जी सर, मुझे मुझे व्हेन यू टेल दिस आई एम रिमाइंडेड ऑफ, एक तो तमिलनाडु है वो में, उसमें तो देयर इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट। अभी आप करप्शन के फ्री में भी इसके बारे में बातें कर रहे थे ना, अभी लोकल बॉडी इलेक्शन में मैं खुद थोड़े लोगों को जानता हूँ जो ग्राउंड पे गए हैं, एंड आई एक्चुअली शेयर्ड अ वीडियो ऑफ वन वन माय फ्रेंड वन ऑफ माय फ्रेंड हु टुक द वीडियो आल्सो। तो उन्होंने एक्चुअली रेड हैंड एक बंदे को पकड़ा है हु वाज गिविंग अ सिल्क साड़ी 2,000 रुपया और दारू, ये दिस कम्स एज अ पैक वो दे रहे हैं, घर में दे रहे थे, उसको पकड़ा गया था फ्रॉम डीएमके गवर्नमेंट, एंड आज अन्नामलई जी ने ओपनली ट्वीट भी किए हैं दिस पीपल आर डूइंग करप्शन कर रहे हैं। तो दिस इज हैपनिंग, इट इज अ नेशन वाइड फॉर्मूला चल रहे हैं, फ्री भी फ्री भी। तमिलनाडु में के लोग एटलीस्ट ये तो फ्री भी फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लैंड देंगे, उनके इन लोग सेल कर रहे हैं अपने। तमिलनाडु में तो खैर एक साड़ी के लिए पूरा अपने जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उज्जवल जी लॉ लास्ट, उज्जवल जी विल वेट फॉर उज्जवल जी टू ज्वाइन बैक। सो अगेन टू द व्यूअर्स ऑल्सो आई एम टेलिंग द सेम थिंग, एंड आकाशवीर जी इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन और एनीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन प्लीज डू, आई एम शेयरिंग द लिंक। रन एफ शेयर बिफोर, पहले शेयर किया कि नहीं पता नहीं था, लेकिन आई थिंक ए शेयर। तो ये पहले एज उज्जवल जी वॉज मैंशनिंग, ये फ्री भी इसको पहले स्टॉप करनी चाहिए। आई थिंक इलेक्शन कमीशन शुड हैव अ बिगर रोल टू प्ले इन दैट। देर शुड बी अ लॉ विच इज पास्ड विच सेइंग दिस एंड ऑल शुड नॉट बी अलाउड। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के लॉस में है, बट फिर भी इन लोग नहीं सुन रहे हैं। इवन मैनिफेस्टोज दे शुड से ओके
मैनिफेस्टोस में ये फ्री दूंगा बोल के नहीं आनी चाहिए, दैट दैट दे आर मिसयूजिंग लाइक एनीथिंग, दे शुड यूज अ बेटर वर्ड यू नो। एंड दिस सेपरेटिज्म जो कर रहे हैं ना पंजाबीज के लिए पंजाब और यू नो दैट एंड ऑल, दैट ऑल्सो शुड बी इफ इफ एनीथिंग इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो सेज दैट इट इज गोइंग टू बी अ सेपरेशन थिंग, दैट दैट शुड बी बेसिकली दे शुड टेक इश्यू, आई मीन एटलीस्ट एनीबडी शुड कंप्लेन, दे सेइंग दैट ये सेपरेटिज्म यू नो पंजाबीज फॉर पंजाब पंजाब फॉर पंजाबीज यूपी फॉर यू ये सब आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी सेन आइडिया टू गो अराउंड एवरी एनीवेयर इन द इन एनी स्टेट यू नो। सो दैट शुड दे शुड हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन दैट, पीपल शुड फाइल केसेस ऐसा करे तो आई वुड से गो गो अहेड एंड फाइल केसेस और यू नो सो मोटो कुछ तो करना है, नहीं तो ये लोग नहीं सुधरेंगे, दे विल गो ऑन डूइंग दिस एंड इट विल हैपन। हाँ सर सर जो आप बोल रहे हो ना ये लोगों को चाहिए है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनके जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है ना हर स्टेट में होनी चाहिए और हिंदू समाज के अलग से ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, सिखों के अलग से है ही। तो इस टाइप के जो स्पीचेस हैं जैसे अभी ये चन्नी जो दे रहा है इसके खिलाफ में 200 से 300 FIR लॉन्च क्यों नहीं कर सकते, आपके केजरीवाल के अगेंस्ट में क्यों नहीं लॉन्च कर सकते आप 100 FIR 150 FIR अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में, और पंजाब में तो कम से कम 100 FIR 150 FIR कर दी हर पुलिस स्टेशन में कर दी। जब ये रिपब्लिक का अर्नब गोस्वामी और जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में वो 3000 FIR वो कर सकते हैं 200 FIR कर सकते हैं, सिर्फ सोनिया गांधी का एंटोनियो माइनो बोला है ना जो कि उसका एक्चुअली नाम है ओरिजिनल नाम है, वो बोलने से उसके खिलाफ उसको छत्तीसगढ़ और कहाँ कहाँ वो 200 FIR लॉन्च कर दिया है ना, फिर उसको मारपीट करने के लिए कोशिश किया है ना, फिर रिपब्लिक चैनल के करीब 1000 जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में केसेस लॉन्च किया। तो ऐसा करने अगर ऐसा कोई करता है ना तो अरुण जी और दोस्तों हम सबको ये चाहिए कि वहाँ उनके ऊपर मल्टीपल FIR लॉन्च करना चाहिए, इसके बिना ये लोग नहीं सुधरे। सर एक और बात है सर विच इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी अगेन इस ईयर, आप जो बात बोले थे ना इसके पहले बोल रहा हूँ, आपने बोला था डेरा डेरा लोग सब यू नो ऑल दिस डेरास दे विल कम यूनाइटेड। अगर देखिए अभी कर्नाटका में देखिए क्या हो रहा है, एक हिजाब का इश्यू ऑल अराउंड इंडिया दे गेट टुगेदर, इवन अराउंड द वर्ल्ड बोलता हूँ दे स्टैंड इन वन। ये इलेक्शन के टाइम में साउथ इंडिया में तमिलनाडु में और आंध्रा में ऑल दिस as we told, वन एक बैठ के सबको लिखेगा ठीक है डोंट वोट फॉर दिस पार्टीज, इट विल बी ट्रांसमिटेड ऑल थ्रू देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स और व्हाटएवर दे नो चर्चेस दे हैव। सेम थिंग हैपेंड विद द मुस्लिम्स, मस्जिद में अनाउंस हो जाता है ना, इट पैसेस अराउंड। सनातन हिंदू में क्यों नहीं हो रहा है सर, व्हाट इज रॉन्ग इन, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है तो उन लोग बोलते हैं फैसिस्ट है एक्सट्रीमिस्ट आ गया है भागवा, तो उन लोग करे तो वो डेमोक्रेटिक है, हम करे तो वो सेक्युलर नहीं है नॉन सेक्युलर है। इसमें डिफेंड करना क्लारिफिकेशन देना है ना डिफेंसिव होना ये सब हमको बंद करने का, अपोलोजेटिक होना सब बंद करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बकवास करता है उसको बकवास करने दो, उसको सीधा मुंह पे थप्पड़ मारो, बोलो व्हाट यू से इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज द लॉ, दिस इज हाउ यू विल लिव एंड एवरीबॉडी विल लिव, दैट्स ऑल एंड ऑफ द मैटर, दैट इज हाउ हिंदूज हैव टू लिव है ना। सामने आप भी तलवार लेके खड़े हो जाना, खलिस्तानी क्यों तलवार लेके खड़ा होगा, लोगों के हाथ पैर काटेगा क्यों सर, आई एम नॉट टॉकिंग सामने अगर कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए नहीं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। आपको पता है महमूद पराता ने टीवी डिबेट में खुलेआम मेन स्ट्रीम मीडिया में बोला था, मैं तो मुसलमानों को बोल रहा हूँ सोना मत खरीदो, सोना घर में रखा हुआ है उसको बेच के बंदूक खरीदो और हम लोग लाइसेंस दिलवाएंगे पूरे इंडिया में हर एक मुसलमान को ताकि वक्त आए तो उसके ऊपर वो उस टाइम वो यूज कर पाए। वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है भाई, एक सुप्रीम कोर्ट का जिहादी लॉयर ये सब बात बोल सकता है और कोर्ट चुप है, पुलिस चुप है, प्रशासन चुप है, तो फिर उस केस में हिंदुओं को भी खड़ा तो होना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ क्राइम है ना, होगा ये होगा, यूनिटी होगा सर, डोंट वरी है ना, इतना हताश भी नहीं होना।
नो व्हाट आई एम सेइंग इज, झगड़ा 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 हो के सर, झगड़ा इज ऑल ओके, दैट इज ऑल वी आर आई बीन, वी हैव बीन टेलिंग दिस राइट फ्रॉम बिगिनिंग. सबको परशुराम बनना है, मैं सबको माँ भवानी माँ काली का रूप लेना है, वो डिफरेंट है. मैं क्या बोल रहा हूँ वो, तब इसके लिए तो जुड़ना चाहिए ना उन लोग. नो व्हेन दे जुड़ेंगे आर, व्हेन दे आर हैव ए नॉर्मल, नो दे गो एज अ डिफरेंट डिफरेंट, प्रोटेस्टेंट हूँ, कैथोलिक हूँ, वो हूँ, ये हूँ, बोल के रहेंगे. व्हेन इट कम्स टू सच काइंड ऑफ थिंग्स, दे ऑल गेट टुगेदर वन क्रिश्चियन. हम लोग कहाँ है अभी, ये नहीं, कहो तू बनिया हो, तू वो हो, तू ये हो, तू साउथ इंडियन हो, तू नहीं सर नॉर्थ इंडियन वो में, क्या होगा सर फिर? सर वो सब होगा, वो सब होगा, डोंट वरी, सब इकट्ठे सर आई एम नॉट आएंगे, सब टेलिंग साथ जनरली, में ये खड़ा वोटिंग के बारे में होएंगे। बोल रहा हूँ. इवन फॉर नहीं मैं वोटिंग वोटिंग की पर्पसेस नहीं आई एम बात कर रहा, सेइंग नहीं दे आर नॉट नहीं जॉइंट. हाँ मैं वो तो रिक्वायरमेंट है, मैं तो ये बोलूंगा जितने सच्चे खालिस खालसा हैं और जितने सनातनी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिप्टो क्रिश्चियन और क्रिप्टो मुस्लिम सिखों की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कम्युनिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ सिकुलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खालिस खालसा और सनातनी हिंदू की बात कर रहा हूँ। मैं मेरी उन सबसे आवाहन है कल वोटिंग, एक तो आप सब लोग मेक इट अ पॉइंट टू गो टू द बूथ एंड कास्ट योर वोट, ये आपका धर्म है, धर्म का मतलब ये आपकी ड्यूटी है ना, तो आप जाके अपना वोट जरूर कास्ट करें, प्लीज वोट। और यही अपील मैं उत्तर उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का भी कल वोटिंग है वहां पे भी सभी भाई बहनों को, सभी व्यापारियों को, सभी कामकाजी महिलाओं को, पुरुषों को और फौजी भाइयों को से ये निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो भाई बहन पंजाब या उत्तर प्रदेश से बाहर हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, बाई कार जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, जाएं, थोड़े पैसे खर्च होंगे लेकिन ये आप बहुत बड़ी सेवा करेंगे अपने देश की, एक ढंग की सरकार, आइए आइए, जरूर आइए, आकाश वीर जी आपका स्वागत है, जय हिंद जय भारत। सर शरण जी हाँ आए शरण हैं, सर, शरण जी, शरण जी जय हिंद जय भारत सर, वेलकम स्वागतम। आई थिंक शरण जी एज यूजुअल इज थिंक ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में रहेंगे आई थिंक, ड्राइविंग और समथिंग, सो ही हैज टू स्टॉप समवेयर हाँ एंड नो देन नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम, लेट तब हिम, तक. हाँ लेट हिम स्टॉप एंड कम, तब तक मैं ये हाँ तो बोलता हूँ कि डेफिनेटली हाँ डालिया जी जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये जरूरी ये है कि हम और आप वोट कास्ट करें और एकजुट होकर वोट करें, हिंदुओं को तो मैं बोलता हूँ 36,000 हिंदू मरे 10-15 साल में, जो खालिस्तानी टेररिज्म जो हुआ पंजाब में, 36,000 हिंदू मरे, 10 से 15 हजार सिख मरे पूरे इंडिया में, उसमें से 3,000 सिख तो दिल्ली में ही मरे कांग्रेस की कृपा से, तो आप ये याद करो, इस बात को याद करके, जितने खालिस खालसा हैं सिख हैं, जितने सनातनी हिंदू हैं, वो सब एकजुट होके एकमुष्ट होकर सरकार बनाने के लिए वोट करो, क्लियर मेजोरिटी की सरकार बनाने के लिए वोट, ये त्रिशंकु सरकार के लिए वोट मत करो। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो आपको बरगलाने के लिए, ताकि आप हताश हो जाओ, डिस्करेज हो जाओ, आप वोटिंग के लिए ना जाओ, इसलिए बोलते हैं अरे ये तो त्रिशंकु होगी, ये तो हंग असेंबली होगा, ये सब ये लोग ऐसी बोलते हैं, ये सब चोचले हैं आपकी ब्रेन वॉशिंग करने के लिए, है ना, ये साइकोलॉजिकल प्रोपोगंडा है आपका और इन लोगों का, आप जो है आप जरूर जाए, है ना, और ये झाड़ू लगाने वालों के ऊपर झाड़ू लगाइए और देशद्रोहियों को बिल्कुल देश के बाहर निकालिए, पंजाब के बाहर वो पहले निकालिए, वो यूपी के बाहर पहले निकालिए, है ना, जो यूपी के भैये या बोलते हैं ना और ताली बजाते हैं हंसते हैं, उनको पूरी तरीके से साफ कर दीजिए, उनको 0 वोट दीजिए, 0, 1% भी उनको वोट मत दीजिए, मैं यूपी के सभी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ और महिलाओं से शरण पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पुरुषों जी को जरूर थोड़ा लेकर जाएं, हाँ बोलिए सर, सॉरी सॉरी नो तो शरण कल जी के ड्रॉप मैं हो गए, पूछने प्रवीश आपसे हिल सर। ड्रॉप अगेन, ही विल कम अगेन प्रॉबली आफ्टर द नेटवर्क कम्स बैक. तब तक आप बोल रहे थे ना इनको फेरे हाथ वालों के ऊपर जोर से तमाचा दे दीजिए और झाड़ू वालों को कूड़े में फेंक दीजिए, बस इतना ही. बाकी लोगों दोनों के बीच में जो भी हैं उनके लिए आप करो, ये फ्री फ्री में देके देखो. आई आई रिमेम्बर सर,
ये खुजलीवाल है ना, उसको देखे तो मेरे को क्या लग रहा है पता है, एक सांप होता है ना, वो यूज टू प्ले गेम कॉल्ड, वो क्या होता है छोटे उम्र में, इट ही कीप्स ईटिंग नो, उसको देखे तो मेरे को उससे ही याद आता है, इनिशियली ही यू नो ही स्टार्टेड एज अ स्मॉल स्नेक है ना, देन फर्स्ट अन्ना जी को खा गया, देन दूसरे को खा गया, उनके जो सभी खा के अभी यहां तक आ गया है, ही इज बिकम वेरी फैट एंड यू नो प्लेस वेयर ही कैन नॉट गो एनीवेयर, उसको क्या चाहिए खाना, चलिए और क्या ना क्या है चलिए नेशन को खाना। चलिए, हाँ अभी सर, ऐसा है अरुण जी और दोस्तों, खुजलीवाल, खुजली मतलब एलर्जी ही है, तो उससे सभी को एलर्जी अभी हो गई है, उनके दिन भर गए हैं, अब दिल्ली वाले भी अगली बार उनको इलेक्ट नहीं करेंगे, तो बस उनके बारे में ज्यादा बात क्या क्यों करना है ना। यही है सर, बाकी आई मीन शरण जी वो जो को अभी शरण जी आए हैं, बट लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शो दिस सीक्रेट पैक्ट है, फर्स्ट इज ये अपने यार ये है, और आपने जो बताया ना वो अच्छा वाला है। नहीं, आप देख लीजिए इसमें इनके लैंग्वेज। हाँ, ये देखिए, मैं तो ये पोस्ट, ये पिक्चर मैं चाहता हूँ आप सभी लोग देखे, पंजाब का हर बच्चा देखे, बच्ची देखे, हर बड़ा बूढ़ा और जवान देखे, है ना। तो आप जरा अपना चॉइस जरा संभाल के करना, है ना। हाँ सर, आपको दो कंबाइन में से जो अच्छा लगता है, अमरिंदर सिंह जी अच्छे लगते हैं, है अमरिंदर सिंह जी बीजेपी और ब्रेकअवे अकाली दल का आपको गुट अच्छा लगता है, या सुरजीत सिंह बादल मजीठिया और इनका ग्रुप अच्छा लगता है, आप क्लियर मेजोरिटी के लिए वोट करें, बस इतना ही रिक्वेस्ट है मेरा। जय हिंद, जय भारत। शरण जी आप बताइए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद, आकाश जय श्री की जीव राम, हर जान हर के, हर महादेव। हर महादेव सर, आवाज कैसे हो आ रहा है सर? क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है, अच्छा आ रहा है, मैं बाहर हूँ, शायद थोड़ा डिस्टर्ब है या कट हुआ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। हाँ, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, आप बोलिए। आकाशवीर जी प्रणाम, जय श्री राम। नहीं, ये मत रखिए, ऐसे ही नॉर्मली रखिए, नॉर्मली रखिए। ओके। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। हाँ, उज्जवल जी और हाँ अरुण जी और जितने भी लोग जुड़े हैं सबको प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आकाशवीर, ये हर महादेव सॉरी, सर। उज्जवल जी तो आज सेंचुरी मारा, ऐसे लग रहे थे, मैं थोड़ा देखा, एकदम 4-6, 4-6, एकदम नॉन स्टॉप ही बैटिंग कर रहे थे यार। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं बढ़िया। सर, वो क्या होता है ना, वो क्या होता है ना, 4 रनर्स होते हैं रिले रेस में। अब जैसे अभी है, अब चार में से अगर दो लोग स्टार्ट करते हैं रेस को, तो दोनों को थोड़ा ज्यादा ज्यादा भागना पड़ता है, तो ऐसे ही हो रहा है बहुत मजाक। बहुत अब बढ़िया। आप लोग आगे हैं, अब आप रिले रेस को आगे बढ़ाइए। नहीं, अरुण अरुण जी, अरुण जी एकदम फ्रेश लग रहे हैं, एकदम फ्रेश लग रहे हैं। सर आई एम ऑलवेज फ्रेश, देखने वाला का नजरिया बदलता है बस उतना ही। अभी ये शायर जैसे बात कर रहे हैं, देखिए शायर जैसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब शायर बन गए। चलो कोई बात नहीं, पंजाब इज अ वेरी हॉट टॉपिक हमेशा रहा है। जब हम स्कूल में थे तो एक पंजाब और एक एलटीटी, यहाँ का एक टेररिज्म और वहाँ एलटीटी का एक टेररिज्म, ये हमेशा रेडियो पे हम सुनते थे। ओके, पीस सर कीपिंग शरण फोर्स जी, का। हाँ सॉरी जी, टू बिगिन, एलटीटी और नक्सलाइट्स आंध्रा का, वो भी भूल मत, सेम टाइम दिस थिंग वेर हैपनिंग इन इंडिया है ना, उल्फा, सेम टाइम रेडियो में। उल्फा और हाँ उल्फा, जेकेएलएफ, हाँ हाँ और हाँ जेकेएलएफ या नहीं, बहुत है रेडियो सर, बहुत में, है, वो छोड़ नहीं दीजिए रेडियो अभी में, एनीवे। नहीं, रेडियो में जब हम स्कूल में रहते थे, जब जितना सुनते थे उतना वो हमेशा, ज्यादातर ये दो चीजें ज्यादा डिस्कशन रहता था हमेशा। ओके, पंजाब का जो इतने मर गए, ऐसे हो गया, उतना हो गया, वहां पीस कीपिंग फोर्स का इतने मर गए, उतने ऐसा हो गया, ये हमेशा एक न्यूज है ना, कंटिन्यू बेसिस पे चलता था सुबह से लेके शाम तक। इसीलिए पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहा है, वहाँ एनिमी कंट्री बगल में है और वहाँ ड्रग माफियाज बहुत एक्टिव हैं, मुंबई से ज्यादा एक्टिव हैं, वहाँ जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ आर्म्स, एम्युनिशन, ड्रग माफियाज, ये सारे लोग बहुत एक्टिव रहते हैं।
और हमेशा यहाँ का जो अतृप्त आत्माएं रहते हैं, अतृप्त आत्माएं, एक मिनट, यहाँ का जो अतृप्त आत्माएं रहते हैं वहां हमेशा उसको वो हवा हवा देने का कोशिश वो करते आ रहे हैं, वो आज भी चल रहा है। देखिए 90s से लेके 85, 90 और 95 तक भी ये बहुत सारे चीजें हुए हैं। अभी भी देखिए थोड़ा 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 ये चलता ही आ रहा है। और यहाँ के लिए वहां का जो गवर्नमेंट थे, जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है या पर पुराना सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीजों के लिए। आपको मालूम है LTT को भी बढ़ावा देने के लिए, और जिन्होंने यहाँ बिंद्रन वाले को जो सपोर्ट किया इनिशियल डेज में, जिन्होंने सपोर्ट किया उनका विक्टिम, उनका विकेट उसी में गिर गया। यानी कि कर्म आप जैसा करते हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल गेन की वजह से हो या और भी रीजन की वजह से हो, उसका कीमत पहले आपको चुकाना पड़ेगा, आपके साथ साथ देश भी उसके साथ चुकाएगा। अगर आप बहुत बड़ा पोस्ट पे है तो, अगर छोटा मोटा पोस्ट पे है तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, मैं मोदी साहब का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा। मैं भी जो फार्मर प्रोटेस्ट हो या और भी चीजों हो, इसमें मैं उतना मैं पर्सनली उतना ये नहीं था, फिर भी उन्होंने हैंडल किया तो वो बहुत सोच समझ के हैंडल किए होंगे जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। और बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, 5 राज्य का इलेक्शन था, शायद उसकी उसकी वजह से हो या दुश्मन और उसका जो नाजायज फायदा ना उठाए, इसके सो मेनी रीजंस की वजह से उन्होंने वो निर्णय लिया। और यहाँ देखिए पूरा भारत में जो टुकड़े टुकड़े हो गया, चाहे पूर्व पाकिस्तान हो या पश्चिम पाकिस्तान हो या POK हो या अक्साई चीन हो, अरुणाचल का हिस्सा हो, ये सारे कांग्रेस का ही देन है। अभी है ना, ये नया एक चूहा बीच में घुस गया, ये दिल्ली वाला मफलर वाला, ओके, ये भी है ना उसका, ये बी टीम सी टीम ये ऐसे ही रहते हैं। यूपीए में ये सारे लोग है ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़ करते रहते हैं, चाहे चाइनीज के साथ दोस्ती करेंगे, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे, हाफिज सईद और याकूब मेमन हो या बाकी के जितने भी POK में जो एक्टिव हैं, लिबरेशन फ्रंट वाला हो, इनको ना बहुत सॉफ्ट तरीके से लोग हमेशा सपोर्ट किए हैं। इवन कसाब को फांसी देने के वक्त भी ये डोजियर डोजियर ही खेलते थे हमेशा, जो 26/11 हो गया, सिद्धू बाबा हमेशा डोजियर डोजियर ही खेलता था आके, कुछ काम तो करना नहीं है, इसीलिए वो टेररिज्म को इन लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हवा दी है। बहुत तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो हैंडल नहीं किया मोदी गवर्नमेंट ने, बहुत हद तक बहुत बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। इसीलिए आप लोगों को कहीं भी कोने में एक हैंड ग्रेनेड भी फटा हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए दिस इज द ओनली रीजन। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी तो हमेशा शक के दायरे में रहा है, ओपनली वो स्टैंड नहीं लेते खालिस्तान के अगेंस्ट में, तो कुमार विश्वास ने उनको सही में बराबर उनका एक्सपोज किया सही वक्त पे, इसीलिए वो भी एक फ्रस्ट्रेटेड है वो इस मामले में। अन्ना हजारे जी के साथ भी उन लोगों ने जो भी किया वो भी दुनिया के सामने है, और बहुत बड़े बड़े बात किए थे, हमने ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, छोटे गाड़ी यो गाड़ी वो गाड़ी, घर नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, जो जो नहीं लेंगे बोला वो सब लिया उन्होंने। और शाहीनबाग हो या फार्मर प्रोटेस्ट हो, कहीं ना कहीं उसमें आग में घी डालने का काम वहां का सरकार ने किया है, लोकल सरकार ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फेल हो गया उसको भांपने में, इसीलिए वो आपका नाक काट के चले गए 26 तारीख को। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए पंजाब के जो लोग हैं हमेशा मराठाओं और पंजाबियों का जो योद्धाएं हैं भारतवर्ष में, बहुत ही नाम रहा है उनका हमेशा भारत में। अगर मुगलों के साथ लड़े हैं तो सबसे ज्यादा बलिदान मराठाओं ने और पंजाबियों ने दिया है, सिखों ने दिया है, और जो देशभक्त हैं और अच्छाई को हमेशा प्यार करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि
इंदिरा गांधी का जब असासिनेशन हो गया, कितने सिखों के साथ ये सज्जन कुमार गैंग हो, जगदीश टाइटलर गैंग हो या कांग्रेस गैंग हो, कितना आप लोगों के साथ अन्याय किया है वो आप ध्यान में रखिए। और ये जो कोई कैनेडियन है ना, वो क्या है, वो एक टेररिस्ट है, कोई चन्नी बन्नी ऐसा कोई बंदा है, वो आके माल फूंक के कुछ बोलता रहता है, शायद वो ड्रग पेडलिंग में हो सकता है, वो कुछ बहुत बड़ा बात बात कर रहा है आजकल, वो कोई खलिस्तान का बात करता है, कोई कुर्दिस्तान क्या ऐसा ही कुछ उल्टा सिल्टा बात करता है वो, यानी कि भारत को टुकड़े टुकड़े करने का ओपनली बात करता है। एनआईए शायद गया है, एक 6 महीने पहले शायद इन्वेस्टिगेशन के लिए कनाडा गया था, कोई उसका तरफदारी करने आते हैं, कोई अमेरिकन लॉयर है, ये है वो है, बहुत बहुत हॉरिबल सिचुएशन है। अभी टेररिस्ट 38 टेररिस्ट को फांसी हुआ है, तो उनको भी सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं हमारे देश में, तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग हैं, हम लोग जितना अपने रिलेशन में हैं, जितने नज़दीक के दोस्त हैं, जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कन्विंस करके मैक्सिमम वोट डालने के लिए हम लोग बोलना चाहिए। अपने लोग ही हमारे अगेंस्ट में जाते हैं कभी कभी सोच में, ये आप अगेंस्ट में क्यों बात करते हो, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। दुश्मन हमेशा बुद्धिभेद करके बैठा हुआ रहता हमारा, दुश्मन को दुश्मन इतना खतरनाक गेम खेलता है, अपना भाई को अपने भाई के अगेंस्ट में वो खड़ा कर देता है। वही हो गया भारतवर्ष में बहुत बार, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा केयर लेके उसके साथ डील करना चाहिए। और आपने हमेशा अच्छा टॉपिक को चूज किया है, और ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और आप कंटिन्यू करिए। आकाशवीर जी आए हैं, तो आकाशवीर जी और आप लोग हमें आज्ञा दे दीजिए, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर। तो धन्यवाद शरण जी, आपने समय दिया, और हम बहुत धन्यवाद सर। हाँ, बहुत धन्यवाद सर, आप आके एज आकाशवीर जी वाज मेंशनिंग, यू नो, आपके टाइम दिए और आपके विचार रखे हैं, एंड As usual, always being supporting for supporting and, you know, support रहे हैं हमारा, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार आपके लिए। हाँ, आकाशवीर जी बोलिए। हाँ, मैं उन्हीं की बात कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जो हमारे सिख भाई हैं, तो वो 1984 कैसे भूल सकते हैं, कैसे कोई भी सिख आदमी एक कांग्रेस पार्टी को वोट कर सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो 2013 तक, 1969 से जो मेरी सही डेट ऑफ बर्थ है, और वहां से लेके 2013 तक मैं केवल जो था रालोदिया था, राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता। लेकिन 2013 में मेरे यहाँ एक दंगा हुआ और मेरी आंखें खुली, तो मैंने अपने आप को बदल दिया, मैं सीधे राष्ट्रीय लोकदल से और पहुंच गया बीजेपी। कारण मुझे पता लग गया कि जाति से ऊपर धर्म है। लेकिन ये बात सिखों को कैसे नहीं पता लगी, ये बात मेरी समझ से बाहर है। वो सज्जन कुमार, एचकेएल भगत और जगदीश टाइटलर को कैसे भूल गए, तो ये वास्तव में आश्चर्य की बात है। किसी भी सिख को कांग्रेस को वोट नहीं करना चाहिए यार, आप बसपा को दे दो यार, छोड़ो, मैं नहीं कहता आप मोदी को वोट करो, आपको पसंद नहीं है कोई बात नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप कांग्रेस को वोट करते हो, तो ये वाकई में आश्चर्य की बात है। तो आपको सबसे पहले अपने मेन पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, आपका मेन पॉइंट क्या है, आपका मेन पॉइंट है जाति, आपका मेन पॉइंट है धर्म, आपका मेन पॉइंट है विकास, आपका मेन पॉइंट है देश, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप देश के बारे में सोचते हैं तो आप देश हित में वोट कीजिए, आप जाति धर्म या वर्ग के हिसाब से वोट ना करें। यह समय है जब आप अपने लिए अपना भविष्य चुनते हैं 5 साल के लिए। धन्यवाद, मेरी बात इतनी थी, बाकी मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूंगा। हाँ सर, आकाशवीर जी सर, जय श्री राम सर, हर हर महादेव। आप एक नाम तो आपने छोड़ दिया सर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, वो भी इसमें शामिल थे सर। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द अक्यूज, उनके
उनके अगेंस्ट में अभी तक इन्होंने इंक्वायरी खोली नहीं है, सरकार ने केस खुला नहीं है अभी तक। देखिए वो एक्चुअली मेरे समय की बात थी, तो उस वक्त तीन नाम सामने आए थे, तो मैंने वही तीन नाम लिए हैं। अब बाकी दो तो मर चुके, केवल एक ही जिंदा है, तो अगर केस चलेगा तो उसी पे चलेगा। कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और मैं आता हूँ, दो मिनट में आता हूँ। हाँ सर, बहुत शुक्रिया अगेन आकाशवीर जी, हर बार आप हमको प्रोत्साहन सिर्फ वो नहीं देते, आके ये भी बोलते हैं कि यू नो यू आर एक्चुअली, आप बहुत लोगों को भी बोलते हैं यू नो आ जाओ बोल के, सो थैंक यू फॉर दैट, आपके सपोर्ट के लिए हर बार। और एक और अपना यू नो बहन है हु कम्स ऑन ऑल द अर्थनेस एंड सपोर्ट्स, शिवानी जी जुड़े हैं अपने साथ, माँ दुर्गा अगेन स्वागतम, जय भारत जय श्री राम। नमस्ते अरुण जी, नमस्ते उज्जवल जी और नमस्ते आकाश जी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, हर टॉपिक पे बहुत ज्यादा नॉलेज बिल्कुल होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जरूरत कर लेती हूँ ज्वाइन करने की और अपने दो तीन छोटे मोटे विचार रखने की। सो यस, आज मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है एक्चुअली कि मीडिया जो भी हमें दिखाती है, तो एक्चुअली हमें वो दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं दिखाना, मतलब व्हाट डू यू से कि जो होता नहीं है या जो रॉन्ग स्टोरीज है वो हमारे सामने से परोसी जाती है और हम ज्यादातर चुपचाप उसी को देख के हाँ यही रियलिटी है समझ लेते हैं। तो ये भी वन ऑफ द रीजन था कि मैं पहले आराम से सिक्युलर थी और मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था सिक्युलर होने में, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, जो परोसा जा रहा है वो सुन लेना है, उसी को न्यूज समझ लेना है, उसी को यही रियलिटी समझ लेना है और आगे बढ़ना है, तो आसान भी है लाइफ। तो मुझे बस यही बोलना है कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नेशनल मीडिया जाल जो हमें झूठी खबरें या बनी बनाई हवा में खबरें जो परोसते हैं, और दैट इज वे ये जो अल्टरनेट चैनल्स है अभी यूट्यूब का, जैसे आपका पोर्टल है और भी बहुत सारे राष्ट्रवादी पोर्टल्स है यूट्यूब के, सो आई थिंक दोज शुड बिकम आवर प्राइमरी सोर्स फॉर नॉलेज, क्योंकि सारी जानकारी सभी विषयों पे या हर चीज पे अच्छे से होती नहीं है, लेकिन वी शुड सिलेक्ट अवर सोर्स, मतलब सोर्स सही लेना चाहिए, तभी हम सही से सीख पाएंगे, वरना फिर से जाके वही झूठे झूठे स्टोरियों में अटक जाएंगे। और किसी ने एक न्यूज, अब हिजाब की न्यूज हो गई फैला दी, तो हम सब उठ के हिजाब 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 बोल रहे हैं, और कोई न्यूज आती है सब उठ के वो न्यूज बोल देते हैं। नहीं मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये पॉइंट्स रॉन्ग है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हमें परोसा जा रहा है और हम उसमें चक्कर में आए जा रहे हैं, तो वी शुड सिलेक्ट आवर सोर्स बेटर एंड वी शुड सिलेक्ट आवर पॉइंट्स बेटर, और क्या कचरा है और क्या फायदेमंद असल के पॉइंट्स है हमें उसको फिल्टर करना आना चाहिए, और वी शुड यू नो सपोर्ट ईच अदर। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि अब हमारा इकोसिस्टम होना चाहिए, जो है नहीं, कहाँ से होगा, लेकिन वन बाय वन ही लोगों को करना पड़ेगा। या बोलिए बोलिए, सॉरी शिवानी जी, एक क्विक पॉइंट टू यू, आप सिर्फ मुंह से राष्ट्र के बारे में बोल के नहीं, तो प्रभु श्री राम का महादेव का नाम लेके बहुत लोग जा रहे हैं, उनसे भी आप ये मत बनिए, आप एक दो तीन बार देखिए, चार पांच बार देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रियली दैट पर्सन एंड दैट चैनल और दैट यू नो व्हाटएवर द पर्सन हैंडलिंग इट आर ट्रू और नॉट, बिकॉज अभी तो बहुत लोग बहुत यूट्यूब चैनल्स भी मैं खुद देखा हूँ कैसे क्रिकेट की तरह बदल गए। यस यस, बहुत मुश्किल है सबको फिल्टर कर पाना कि हमारा सही सोर्स क्या है, लेकिन डेफिनेटली टॉप फाइव टॉप हम समझ ही सकते हैं, तो आई थिंक इट्स फाइन। आप तो शिवानी जी, आप तो जागरूक भारतीय हैं, है ना, एंड अ वेरी इंटेलिजेंट वन एट दैट, तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा, आप जैसे लोग जो है ना दूसरे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, है ना, तो वो तो है और अच्छा होगा, अच्छा टाइम आएगा, है ना, सभी सनातनियों के लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा, बस हम ऐसे ही काम करते रहें, है ना, एकता भी आएगी, जरूर आएगी, है ना। अभी अभी तो जरूरत ये है कि जब भी इलेक्शन हो प्लीज हम सब जाएं, जिसका जिसका वो एलिजिबिलिटी है, अगर इलेक्टोरल रोल्स में नाम नहीं है तो नाम डलवाइए, आपके घर पे अगर वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कार्ड लेके जाइए, इलेक्शन कार्ड है, जाके लीजिए और खुद वोट करिए, जरूरत हो तो इवन आप ये
ट्रेन या शॉर्ट फ्लाइट पकड़ के या कार से आप ड्राइव करके भी जा सकते हैं जहाँ पे आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है। मैं ये सारी विनती जो है ये यूपी के तीसरे चरण के लिए भी और आगे आने वाले चरणों के लिए भी भाई बहनों से यही गुजारिश करता हूँ और पंजाब के सिख भाई बहनों और हिंदू भाई बहनों से खासकर ये अपील करता हूँ। हाँ आकाश विधि आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए सर। हाँ वो एक्चुअली थोड़ा सा मीडिया का जिक्र आया था तो मीडिया पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, इनमें तीनों पे से किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। मान लीजिए मैं केवल सोशल मीडिया पे हूं तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो मेरी इमेज कौन बना रहा है? वो जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर है। अगर वो कह देगा मैं अच्छा आदमी हूं तो आप सब लोग मुझे अच्छा मान लेंगे, अगर वो कह देगा कि मैं खराब आदमी हूं तो सब खराब मान लेंगे। डिटो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी यही स्थिति है कि जितने भी लोगों के नाम हम सुनते हैं, अरे यार संजय राउत से मैं कभी नहीं मिला, मुझे क्या पता वो अच्छा आदमी है या नहीं है। लेकिन एक चैनल बताएगा कि वो अच्छा है और दूसरा चैनल बता देगा वो खराब है। एक अखबार छाप देगा कि वो अच्छा है, दूसरा छाप देगा खराब है। तो इन लोगों की बातों को सबको सुन लो, विचार बनाओ अपने, लॉजिक के बिना फैक्ट के बिना जिंदगी में कुछ नहीं होता। वरना तो 60 साल है, 70 साल है, 75 साल है, काट के निकल जाओगे। और ये मीडिया आपको बेवकूफ बनाता रहेगा क्योंकि उनको केवल पैसे से मतलब है, वो केवल पैसे में गुलाम है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आकाशवीर जी जो केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं ना और सब नेशनल राष्ट्रीय चैनल्स और ये पेपर न्यूज पेपर के साथ में कर रहे हैं, वही चीज जो है ये एनसीपी और ये जो रूलिंग कॉम्बिनेशन है एनडीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं। आप लोग कोई भी लोकल चैनल कोई भी लोकल पत्रकार मेरा कोई आर्टिकल लिखता है नहीं, वो जैसा बोलते हैं वैसे ही वो लिखते। ये मीडिया के बारे में तो मैं कहता हूँ एक दिन पर्टिकुलर बैठ के बात ही कर लो, इसको टॉपिक ही ले लो। हाँ सर, ये एक दुनिया अलग है, मीडिया एक अलग दुनिया है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी देश से, ना किसी जाति से, ना किसी धर्म से, ना किसी वर्ग से। मीडिया अपने आप में एक अलग वर्ग है सर। बिल्कुल जी आकाशवीर जी, आकाशवीर जी मैं इस इसके बारे में आई मीन लाइक व्हाट ऑल थ्री ऑफ यू टोल्ड और शरण जी भी बोल के गए हैं, ये राइट पॉइंट इज मीडिया हाउसेस आर बिजनेस पीपल, एज सिंपल एज दैट। उनको आप एसएसआर मूवमेंट अभी तक फेल, आई मीन अभी तक वो पावरफुल क्यों जा रहा है सर, फेल नहीं हो रहा है क्यों? बिकॉज हम पैसे के पीछे नहीं पड़े नहीं है, हम यहाँ पे इमोशंस के पीछे पड़े हैं। दिस इज हाउ मीडिया शुड हैव फंक्शनड, दिस इज हाउ मीडिया शुड हैव वर्क, लेकिन नहीं है। सबको नेम, मैं तीन चीज ऑलवेज बोल देता हूं, जो लोग जानते हैं मुझे जानते हैं, नेम गेम एंड फेम। नाम आनी चाहिए, गेम का मतलब है पैसा रोकड़ा, और फेम, ये तीनों की वजह से ही इन लोग आते हैं। मीडिया तो आजकल बहुत हो रहा है एंड ये नेम गेम की फेम की वजह से आजकल बहुत लोग खुद के लोग को अपने आप को बड़ा समझ के कहीं और यू नो दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स, यू नो छोटे छोटे सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज बनते जा रहे हैं। एंड उन लोग आज अभी वो बंदा है ना वो महाराष्ट्र में, जब भी उसको चाहता है ही इज टेकिंग एसएसआर्स नेम एंड दिशा सालियंस नेम, उनका जब चाहिए। तो आप जो बोल रहे हैं बात बोल रहे हैं ना, मीडिया के बारे में सेपरेट डिस्कशन करेंगे, उनका भी हमने इसके पहले भी किए थे एंड वी एक्चुअली एक्सपोज्ड मेनी ऑफ दोस पीपल्स बैकग्राउंड, हम और एक्सपोज करेंगे जो भी अभी राष्ट्रवादी बोल के घूम रहे हैं और जो भी ये नो बड़ा बड़ा पत्रकार बोल के घूम रहे हैं ना, उनका बैकग्राउंड देके पूरा बताए तो एवरीबडी हैज अ लिंक टू कम्युनिस्ट और आउटसाइड इंडिया, कोई भी लोकल वाला नहीं करेंगे बिल्कुल। हाँ इसको मीडिया को नंगा करेंगे, ये बिकाऊ लोग हैं। और बल्कि मैं तो अगर ढूंढ पाया तो मैं क्लिप ढूंढूंगा जो हमारे मेजर गौरव आर्या है
उनके क्लिप है, उन्होंने बोला था कि अगर मीडिया को पैसे से खरीद सकते हैं तो मोदी जी मीडिया को पैसे से खरीद ले, देश के लिए अच्छा है। सर एक बात, एक बार इसके लिए एक बात बोलता हूँ, उसके बाद आई विल गिव इट ओवर टू शिवानी जी एंड उज्जवल जी। सर अगर खरीदना है तो जिंदगी में, आई मीन दैट इज व्हाट आई वाज आज ट्वीट भी किया था, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं सर, सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं। आज पैसा मेरे पास है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसीलिए तो संस्कार आता है सर, डिसिप्लिन और संस्कार इसी में आता है, और इसी में दैट एटीट्यूड आल्सो कम्स। व्हाट आई एम सेइंग इज अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग टू पीपल हु आर गोइंग टू वोट आल्सो, उनको भी बोलता हूँ वोट करना है आपको, आपके रिलीजन देके, आपका कास्ट देके, पैसा देके, फ्रीबीज देके वोट करेंगे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट यू आर एक्चुअली थिंग ऑफ धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब धर्म, मतलब मैं कोई नाम नहीं बोल रहा हूँ, यू आर बेसिक थिंग अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं सर, वोट जो अभी अरुण जी, मैं तो आपसे डिफर करता हूँ, एक ही पॉइंट में मैं डिफर करता हूँ। मेरी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल क्लियर है, मैं सनातनी हिंदू हूँ, ये देश सनातनी हिंदू देश है। मैं तो अपने धर्म की बात जरूर करूंगा, मैं अपने पंथ की बात जरूर करूंगा, और मेरे धर्म के ऊपर अटैक हो रहा है, मेरे पंथ के ऊपर अटैक हो रहा है, और जो दूसरे विधर्मी है और अधर्मी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है हमारे देश के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो मैं तो डेफिनेटली सभी को अपील करूंगा कि आप एक मुश्त एकजुट होकर एक मुश्त होकर वोट करिए। चलिए कोई बात नहीं, लेट अस गेट बैक टू द टॉपिक। आप ही के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा अकालियों के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा कांग्रेसियों के और पंजाब के बारे में बात करते हैं। आकाशवीर जी, शिवानी जी, थोड़ा आप भी अपने विचार रखिए इनके बारे में। अभी वही पंजाब का टॉपिक है, एक्चुअली मैं आपसे सीख ही रही हूँ, मतलब मैं अभी सुन के समझ के सीख ही रही हूँ, मुझे ज्यादा तो पता है नहीं, लेकिन माय लास्ट विजिट टू अमृतसर आई थिंक एक कमेंट किया था मैंने कि बहुत वियर्ड लगा, क्योंकि अच्छे से पगधारी लोग क्रिश्चियन बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोली ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे इतना सरप्राइज लग गया था पहले कि क्या हो रहा है, तो ये ही मेरे लिए सरप्राइज है। खालिस्तानी वाला एंगल तो उसके लिए तो मुझे पता ही नहीं, मेरा दिमाग ही फट जाएगा शायद, लेकिन इतना बर्निंग प्रॉब्लम है उधर तो आई एम फीलिंग ऑलरेडी बैड कि एक बंगाल ऑलरेडी खो चुके हैं हम, कि अभी शायद पंजाब भी ना खोना पड़े, ऐसी सिचुएशन ना आए तो लोग जरा जागरूक होके वोटिंग करें वहां के, बस यही मन में लगता है। बाकी तो आपसे अच्छे सुन ही रही हूँ, धन्यवाद। दूसरी है ये डब्ल्यूजी, हाँ बोलिए, हाँ कश्मीर जी। नहीं नहीं आप बोलिए, मैं बाद में आऊंगा। हाँ तो उज्जवल जी, ये लोग मुझे एक्चुअली बहुत लोग पूछे हैं, आई वाज आल्सो लिटिल कंफ्यूज, बट लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है जो आपको पूछूंगा, और आकाशवीर जी, शिवन जी जो भी आंसर कर सकते हैं। ये डबल इंजन बोल के बहुत सारे पिछले इलेक्शन, आई मीन उत्तराखंड में भी बोला गया था, ये गोवा इलेक्शन में भी बोला गया है, और ये अभी इवन इन पंजाब द सेम थिंग वॉज टोल्ड। इनका मतलब क्या है थोड़ा समझाइए, और इससे फायदा क्या है? देखिए इसमें क्या है अरुण जी, ऐसा है कि इसमें इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर स्टेट एंड द सेंटर बोथ आर एडमिनिस्ट्रेट बाय द सेम पार्टी, अगर एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार है, तो इसमें डेवलपमेंट बहुत तेजी से और जल्दी से किया जा सकता है। नहीं तो अगर एक दूसरे के परस्पर विरोधी या विपक्षी हैं, तो ऐसा होगा जैसे बंगाल में हो रहा है, या फिर यूपी में 2017 तक हुआ, जो मोदी जी स्कीम लाए वो उन्होंने यूपी में इंप्लीमेंट नहीं किया, बंगाल वालों ने बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं किया है, और पंजाब वाले इन्होंने ये क्रिएट किया। पहले वो खुद ही मांगते थे ये फार्मर लॉ के लिए, बाद में वो तीनों कानून आ गए, फिर उसके बाद वो उसका ओपोजिशन करने लगे, क्यों? क्योंकि ये सरकार लेकर आई। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपस में टशन होता है, स्ट्रगल होता है, या परस्पर विरोधी सरकार होती है, तो लोगों का नुकसान होता है ना। लोगों का कैसे नुकसान होता है, अब आप देखिए, जैसे बंगाल सरकार
उसने किसानों को मोदी सरकार ने 2 साल पहले डिक्लेयर किया था, 2019 के लास्ट क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में डिक्लेयर किया था कि हम है ना 2,000 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से छोटी जोत के किसान को, हर किसान को देंगे, है ना। उसमें फायदा कितना हो रहा था, देश के 12.5 करोड़ 12.5 करोड़ फार्मर्स का, फैमिलीज का बेनिफिट हो रहा था। लेकिन दीदी ने अभी तक नहीं भेजा था, ये जो बंगाल में अभी इलेक्शन हुए हैं लास्ट मई में, तब तक उन्होंने वो लिस्ट नहीं भेजा, उनका बैंक अकाउंट डिटेल ही नहीं भेजा। उन्होंने बोला बोला आप हमको पैसा भेजो, हम भेजेंगे। दैट मीन्स लीकेज होगा, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन होगा, पैसा रस्ते में खा जाएंगे, लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ टीएमसी के वर्कर को मिलेगा। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए और लोगों को पूरा बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये अच्छा रहता है कि अगर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार, ताकि जो स्कीम सेंटर से निकले, एक तो वो पूरी की पूरी स्कीम वैसे के वैसे इंप्लीमेंट हो ग्राउंड पे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो। दूसरा क्या है, जहां जहां गैप्स है उस किसी स्कीम में, उसको फिल कर सकते हैं। अब जैसे योगी ने अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें काफी रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में काफी मकान लोगों को दिए गए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे बड़ी गरीब तबके थे या आदिवासी तबके थे या कुछ कम्युनिटीज थी जो इस स्कीम की जो एलिजिबिलिटी थी, इसका जो नेट था, उसके बाहर पड़ गई। तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्कीम लगाई कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से उसी तरीके की पैरेलल स्कीम चलाई कि उनको सबको मकान मिले, है ना। अभी जैसे गोरखपुर के पास में वो एक मूसाहार जाती है, दोज हू ईट रैट्स टू सर्वाइव, दूसरा वह बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, है ना, जो कि बहुत ही गरीब हैं, उनको खाने का प्रॉब्लम है, उनको सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, उनको रहने का प्रॉब्लम है, हर चीज का प्रॉब्लम है। उनके पास राशन कार्ड नहीं होते, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, इन्फेक्शन बहुत होते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पैरेलल स्कीम लगा के उन सबका भला कर सकती है। दूसरा जो स्कीम आप देखते हैं, जैसे आपका आयुष्मान भारत, जिसमें कि आपका ये 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है, मेडिकल इंश्योरेंस कवर है, जिसमें जो भी कवर्ड है वो उसके फैमिली में कोई भी और वो सब मिला के 1 साल में 5 लाख का ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ 1 साल में 5 लाख का ट्रीटमेंट जो है उसका पेमेंट सरकार करेगी, और किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जो भी हॉस्पिटल प्राइवेट है या सरकारी है जो स्कीम में है वो किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। तो इसके बेनिफिट बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, है ना। अब यूपी में देखिए सबसे बढ़िया स्कीम का जो है फायदा उठाया योगी जी ने, पहुंचाया लोगों को, है ना। बिहार में भी लोगों को फायदा हो गया है, मध्य प्रदेश में फायदा हो गया अभी, है ना। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में पहले लास्ट ईयर तक 2-3 साल पहले तक सभी लोगों का एनरोलमेंट हो गया था। तो इसका फायदा ये होता है, डबल इंजन की सरकार जब होती है तो पंजाब में भी बेनिफिट होगा। आप देखिए अगर अब अकाली दल, अब अकाली दल को अपना या तो जैसा लोगों ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने केस फाइल किए हैं, वैसा या तो उनके लोग ड्रग स्मगलिंग और ड्रग पैदा करने में, कल्टीवेशन में लगे रहे, या फिर बस माफिया में लगे रहे, या शराब के फैक्ट्रियों में लगे रहे हैं, या मंडियों के ठेके में लगे रहे। तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत फायदा बहुत उठाया लेकिन पंजाब के लोगों का बेनिफिट नहीं करा। यही अगर अमरिंदर सरकार अगर अभी आती है बीजेपी के पार्टनरशिप में, तो ज्यादा चांसेस हैं कि पंजाब का बहुत सारा भला हो। हाँ सर, आकाशवीर जी बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर, वही मुझे पूछना था। हाँ जी अवश्य। देखिए ये तो लोगों की प्रायोरिटी है, वो चाहते क्या है, आपको शांति चाहिए, आपको हिंसा चाहिए,
आपको जातिवाद चाहिए, आपको धर्मवाद चाहिए, या आपकी मर्जी है, आप उसके हिसाब से वोट कीजिए। इसमें आपका ये मौलिक अधिकार है कि आप इसको वोट करें, इसमें मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो मैं केवल किसी एक मुसलमान से ये सवाल पूछता हूं कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक मुसलमान आके ये बता दे कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। अगर अंसारी या अतीक अहमद ये कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में बुलडोजर चल रहा है, तो भाई विकास दुबे का एनकाउंटर भी आपको याद होगा, विकास दुबे जो है मुसलमान नहीं था, तो उसको छोड़ देना चाहिए था। ये बात सोचने की है, समझने की है। यहां जो सरकार चल रही है, अरे मुझे सरकार से क्या चाहिए, सीधी सी बात है, मेरा बेटा घर से बाहर गया, सुरक्षित घर पे बाहर घर से जाके वापस आ जाए, दैट्स ऑल, खत्म बात। जो मुझे चाहिए होगा मैं कमा लूंगा, खा लूंगा भाई। मुझे मोटरसाइकिल लेनी होगी तो मैं मोटरसाइकिल ले लूंगा अपनी मेहनत की कमाई से। मुझे सरकार की जो है दयानी चाहिए, मुझे तो केवल अपनी मूलभूत सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटी जो मेरी हैं, मुझे बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, साफ सड़कें मिल जाए, मेरे लिए काफी हैं। मैं क्यों खामा खा की बात करूं, जो सरकार मुझे दे सकती है मैं उसके साथ हूं। और बहन जी ने और ये जो भाई साहब हैं हमारे अखिलेश यादव जी, वो दे नहीं पाए। सीधी सी बात, नो बकवास। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो मुझे केवल सपोर्ट करता है थोड़ा सा, अरे मोरल सपोर्ट चाहिए भाई मुझे आपसे, मुझे आपसे कुछ कोई कार नहीं लेनी, मुझे आपसे लैपटॉप नहीं चाहिए, अपना लैपटॉप रखो आप अपने पास, मुझे लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, लैपटॉप मुझे चाहिए होगा, स्कूटी चाहिए होगी तो मैं ले लूंगा, मैं करूंगा मेहनत और मैं करूंगा काम, लेकिन मुझे यहां माहौल अच्छा चाहिए। और अच्छा माहौल योगी सरकार ने दिया है, कोई एक भी दंगा यहां नहीं हुआ, मैं उनकी सरकार में एक भी दिन परेशान नहीं हुआ कि मेरा बेटा घर पे सुरक्षित आएगा या नहीं आएगा। मेरी बात केवल इतनी है। और अभी मैं सबको नमस्कार करूंगा क्योंकि अब रात का समय हो गया है, लगभग 8 बजने वाले हैं, अभी मैं खाना खाऊंगा और सोऊंगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और कल दो, अभी मुश्किल से मान लीजिए 2 बजे फिर जुड़ सकता हूँ। जैन जी नमस्कार। एक अपील कर दीजिए, एक अपील कर दीजिए सर, एक अपील कर दीजिए थर्ड फेज के लिए, एक अपील कर दीजिए। एक मिनट में, हाँ मैं यूपी वोटिंग के लिए अपील कर दीजिए, तब तक मैं और उज्जवल जी बैक एंड में जाएंगे, सिर्फ आप स्क्रीन में रहेंगे, आप अपील वोटिंग सब वोट के लिए अपील कर दीजिए, है ना। वोटिंग के लिए मेरे जितने भाई हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है, आप जिसे वोट करना चाहे कर लें। मेरी पहली चॉइस मोदी, योगी, अमित शाह हैं। आप अपना सोच लीजिए कि आपको देश में क्या चाहिए। मुझे देश में जो चाहिए मेरे अपने तजुर्बे के हिसाब से, मैं केवल यहाँ शांति और इंसानियत चाहता हूँ। इंसानियत का मतलब है कि सारे धर्म सारी जाति, इंसानियत का मतलब केवल हिंदू धर्म या कोई और धर्म नहीं है। सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर, जय श्री राम। कुछ विचार आप केजरीवाल जी के बारे में रखना चाहेंगे, दिल्ली के जो है, जो आप पार्टी के कन्वीनर हैं, जो पंजाब भी जा रहे हैं। मेरा बहुत वीक पॉइंट है वो, उसे उसे मत छेड़ो, वो झूठा आदमी। वो साथ साथ कह रहा है कि मैं यमुना साफ करूंगा, 7 साल में उसमें यमुना साफ नहीं हुई, और कोरोना ने केवल एक साल में ही यमुना साफ कर दी। सर आप थोड़ा उनके ये करिए सर, मैं लास्ट टाइम यमुना गया, पानी नहीं था, कहाँ साफ करेगा वो, पानी को साफ कर दिया ना उसने, उसको तो उसको प्रेस करिए,
पानी नहीं था लास्ट टाइम उसका, उसके उसके पास तो 1500 पन्नों की फाइल थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मतलब हम सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित जेल जाएगी। उसको माफी मांगनी पड़ी थी जिस पे भी उसने केस किया था। और आज फ्रेश न्यूज़ है, फ्रेश न्यूज़ है। मैं पता नहीं, मैं अभी अभी ट्विटर में देख रहा था, पता नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं, लेकिन ये मैं कंफर्म करके बोलूंगा। लेकिन सुनने में ये आया है कि ये चद्दा उनके ग्रुप का है ना, वो चद्दा जो भी सब चद्दा साहब है, नहीं तो कांग्रेस का है, पता नहीं। He is betrothed to Kejriwal's daughter. अरे उसकी जो सच्चाई है उसको जानने के लिए जो हम सुन सकते हैं वो सुन सकते हैं कुमार विश्वास को। अभी मैं डालूंगा सर, एक मिनट मैं डालूंगा। अभी कुमार विश्वास को भी सुन सकते हैं और कपिल मिश्रा जी को भी सुन सकते हैं, है ना, उनकी चिट्ठियां भी देख सकते हैं। हाँ एक मिनट ये चलाऊंगा। कोई समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूँ पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवान को और दुर्गा जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पद पे नहीं भी है, वो पद पे ठहरा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, दुनिया फंडिंग कर रही है ऐसे लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहते तो क्या हो गया, स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब इस के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके, वो किसी भी कीमत पर बस मुझे सरकार ले, सत्ता मिले रहे। लेकिन मेरा तो मुझसे लोग पूछते हैं अलगाववाद का डिबेट कब होगा, कब हो रहा है भाई, भाजपा कांग्रेस में मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बनाया, ये ह्यूमन माइंड कांग्रेस है ना, दिन जाती और शाम साहब ने खुद जैसे लोगों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी नाम है, ये तो मैंने बनाया था, इसमें तो हम तपे थे ना, मेरे घर पर बनी थी ना, मेरे घर पर ही मीटिंग हुई सारी। तो मुझे दुख होता कि चले कहां से थे और पहुंचे कहां हैं। तो रोज जब मैं देखता हूँ वो गंदगियाँ, रोज जब मैं देखता हूँ वो टिकटॉक के आरोप, रोज मैं मारपीट देखता हूँ कि भगाया जा रहा है उनके प्रतिनिधि को, लोग भाग रहे हैं क्रिकेट बेस किया, क्रिकेट बेस किया, वो तो चलो थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी आपने बना ली, हो सकता है आपकी मजबूरियां हो, लेकिन ये सब हिंदू मुसलमान है ये सोचना कि मैं यहाँ से पढ़ ले लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे अलगाववाद कर लूंगा, सिखों को ऐसे पोलराइज कर लूंगा। हाँ सर, अरे इतना काफी है उन लोगों को जानने के लिए कि कैसा आदमी है। अभी सर सुनाई दे रहा है? नहीं अभी तो ठीक है, लेकिन हाँ। वीडियो व्हेन इट वाज प्लेइंग। अच्छा वो उसका आवाज नहीं आ रहा था क्या? नहीं वो इको आ रहा था बार बार। अच्छा मेरा वो खुला था वॉल्यूम इसलिए। लेकिन इतना इतना काफी है सर उन लोगों का, क्या बोलता है ये बड़ी बंदे की, ये रत्सनिक। नहीं मैं तो बिल्कुल बिल्कुल बाकी और कोई सवाल है, क्वेश्चंस है तो लोग पूछ सकते हैं सर। देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम शिवानी जी, प्रोबब्ली वी कैन अदरवाइज वी कैन क्लोज इट। और आज बिफोर वी क्लोज सर, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की यू नो का भी वेरी स्पेशल डे है, उनके बारे में हमने बोला नहीं, शुरू नहीं किया, और दोनों यू नो अभी मराठी में बात कर रहे हैं शिवानी जी और शरण जी इन द चैट रूम में। तो एक्चुअली वी कैन आस्क शरण जी, शरण जी तो पता नहीं बिजी होंगे, ले शिवानी जी आप आके एक बार छत्रपति शिवाजी के राज महाराज के बारे में एक गाना गाइए, वो ठीक हो जाएगा हमारा, वो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे लिए। क्या बोल रहे हैं कुछ कुछ बोल, कुछ सुनाना चाहती हैं या बोलना चाहती हैं तो जरूर सुनाएं। हां नहीं तो मैं एज यूजुअल मेरे मेरे फेवरेट जो है ना फास्ट पेस्ट शिवाजी महाराज के ऊपर एक गाना चला दूंगा, वो मेरा है, लेकिन आप आके करे तो अच्छा होगा। पता नहीं अभी शायद शिवानी जी आई विल इनवाइट अगेन इफ शी वांट टू, बट शी हैड अ क्वेश्चन
अब इतना तक हो रहा है, हाउ कैन वी सेव पंजाब फ्रॉम बिकमिंग अनदर बंगाल, और वही पूछ रहे थे इतना वो हो जाएगा। सो देखिए इसका सबसे पहला जो है ना, अभी क्या था बंगाल में भी दिस द चैलेंजर्स दे वेंट फ्रॉम 3 seats to 77 seats ना, तब एक इलेक्शन में तो इमीडिएटली तो ऐसा कुछ चेंज नहीं आएगा ना, है ना। द पार्टी हैज टू ग्रो, यू हैव टू, देन ओनली यू कैन बिकम अ चैलेंज, सीरियस चैलेंजर। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द ग्राउंड देन इट टेक्स यू 5-10 years टू एक्चुअली मेक बिकम अ सीरियस चैलेंजर एंड देन गो फॉर अ चेंज। तो पंजाब में भी हो जाएगा सर ये एक, अभी इस बार उन्होंने दे कैन चूज, पीपल कैन चूज। आपको मैं तो बस इतना ही इंतजार करता हूँ कि डिसाइडिंग वोट दीजिए, एक मुश्त होकर सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए। अगर आपको बादल बीजेपी पसंद है तो उसको दे दीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कैप्टन सार है, उन्होंने ही काफी साल पंजाब में राज किया है, तो उनके फेवर में वोट कर दीजिए, है ना। तो आपके ऊपर है, लेकिन भाई बहनों से, सभी बड़े बूढ़ों से, है ना, यंग एंड ओल्ड, आई माई रिक्वेस्ट इज प्लीज आप वोट जरूर करें और डिसाइडिंग वोट करिए, है ना। नोटा मत दबाइए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमने के लिए मत जाइए, पिक्चर मत देखिए, है ना, वोट ना देके ये सब मत करिए, नोटा मत दबाइए, वहां जाइए और एक पॉजिटिव वोट करिए, है ना, डिसाइडेड डिसाइडिंग मेजोरिटी के लिए। और यही रिक्वेस्ट और यही इंतजार, यही आह्वान मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी भाई बहनों से करना चाहूंगा, बच्चों से करना चाहूंगा, बड़ों से करना चाहूंगा, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये बड़ा ही संक्रमण का काल है हमारे देश के लिए अरुण जी, इट इज नॉट जस्ट फॉर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, यूपी और तमिलनाडु और एनी दिस, पूरे देश के लिए। और आज जो वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वो इतनी तेजी से चेंज हो रही है, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग वेरी फास्ट, द इकोनॉमिक ऑर्डर इज चेंजिंग वेरी फास्ट, यू डोंट नो वेयर द वर्ल्ड विल बी इन द नेक्स्ट 5 years। तो ऐसे केस में आपको आप एक मजबूत भारत चाहिए। मजबूत भारत तभी हो सकता है जब एक मजबूत पंजाब हो, जब एक मजबूत बंगाल हो, जब एक मजबूत कर्नाटका हो, जब एक मजबूत तमिलनाडु हो, जब एक मजबूत उत्तराखंड हो, जब एक मजबूत यूपी हो, जब एक मजबूत गोवा हो, मणिपुर हो। तो ये मजबूत मजबूती देने के लिए लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव वोट देना है, साथ में आकर एक डिसाइसिव मेजोरिटी का वोट दीजिए। त्रिशंकु सरकार मत इलेक्ट करिए, ये जो है ना, ये कौन सा क्या बोलते हैं, हंग पार्लियामेंट, ये वो, ये इसकी किसी को जरूरत नहीं है। हंग पार्लियामेंट सिर्फ करप्शन प्रोड्यूस करता है और कुछ नहीं, सिर्फ 30 साल के हंग पार्लियामेंट में इंडिया में सिर्फ करप्शन बढ़ा और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ करप्ट नेताओं और क्रिमिनल्स की जेबें भरी हैं और आम आदमी का नुकसान हुआ, वोटर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ऐसा ना करें, भारी मात्रा में जाके वोट करें, मैं इतनी ही इंतजार करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर, जय भारत, जय श्री राम। मैं बिफोर वी एंड द सेम थिंग, आई विल जस्ट एको द सेम थिंग व्हाट उज्जवल जी सेज। डबल इंजन के बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि मेनी पीपल डोंट सी, एक दोनों पहिए ठीक तरह से चलनी चाहिए तभी आपको गाड़ी अंदर सामने जाएगा, नहीं तो क्या होगा। अभी तमिलनाडु में देख रहे हैं ना, डबल इंजन के बारे में एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, आप देख लो कोरोना टाइम में 2 साल से मोदी सरकार ने सबको राशन दिया, बराबर है, नियरली 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग फ्री राशन, लेकिन आपको आवाज कहाँ से आ रहा है? आपको बिहार से फीडबैक आ रहा है, आपको उत्तराखंड से फीडबैक आ रहा है, आपको नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है ना, आपको मध्य प्रदेश से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, ऐसे स्टेट से, आपको राजस्थान से फीडबैक नहीं आ रहा, आपको छत्तीसगढ़ से नहीं आ रहा, आप महाराष्ट्र में तो उन्होंने दिए ही नहीं, यहां से दिल्ली और महाराष्ट्र में लेबरर्स को पीट पीट के भगा दिया है ना। महाराष्ट्र में तो अब भी वो कितने लोगों को मिलता है, वो पहले से ही इनका खाने का वो जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। जो वाकई में जो गरीब तबका है, जो एलिजिबल है, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ये उन्हीं के लिए था ना, ये गरीबों के लिए था कि वो भूखे ना मरे कोरोना के टाइम में। आज भी नहीं मिलता पूरा राशन, जबकि आप वही यूपी के किसी फार्मर से आज पूछो, अभी पूछोगे तो वो बोलेगा भैया जी हम तो इतना मिलता है राशन कि हम तो थोड़ा बहुत वो राशन के बदले में कुछ दूसरा
बच्चों के लिए स्कूल कॉपी किताब या कुछ तो भी ले आते हैं, कपड़ा वपड़ा भी ले आते हैं, राशन तो अपना खा लेके आते हैं, खाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बच जाता है तो हम उसका कुछ ना कुछ दूसरा सामान ले आते हैं। आप देखो। हाँ सर वही, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो अब आई विल जस्ट गिव फ्यू एग्जांपल्स आफ्टर द डी एंड व्हाई इट इज वेरी नीडेड। अभी तमिलनाडु में देखिए, जो भी सेंटर लेके आ रहे हैं वहां तमिलनाडु में पहुंचता नहीं है, पहुंचा तो भी उन लोग ले लेंगे, ठीक है, वहां से ले लेके यहां दे देंगे कि लोगों को कि डीएम के नहीं दिया है। एंड लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट इज व्हाट द स्टेट हैज गिवन। अब जो फ्री राशन के बारे में बोल रहे हैं ना, तमिलनाडु में बहुत लोगों को पता नहीं था कि बीजेपी ने दिया है। अन्नामलई जी ने जाके रोड रोड पे जब बोलेंगे तभी उन लोग नो दे गेटिंग टू नो। सी अगर ये तो एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है दिया है, लेकिन बहुत लोगों दे आर अवॉइडिंग ईगो। जैसे अपनी बंगाल में बैठी है ना एक ममता बेगम, शी इज रिफ्यूजिंग इट। तो अफेक्टेड पार्टी कौन है? उन लोगों को तो काना मिल जाता है, ये ममता जो बैठी है ना वहां पे यू नो शी कैन गो एंड हैव बिरयानी समबडीज हाउस, लेकिन ये बाकी सब क्या होंगे यार? दैट इज द थिंग, यू नो, तालमेल नहीं है तो क्या होगा? अफेक्टेड पार्टीज विल बी मोर, सो देन दे विल गो करप्ट, दे विल गो यू नो यू गो इन अ बैड स्टेट। सभी एक सूत्र जुड़ना है तो सेंटर और स्टेट एक साथ रहना है, तभी आपको द पटरी विल गो स्मूथली। अभी स्टेट में कोई पूछेगा, अरे यार मुझे एक यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मेरे, यू नो दे आई हैव अ वाटर प्लांट वी नीड टू बी पुट इन माय स्टेट, आई नीड टू बी डन इमीडिएटली। चलो आ गया, इन अ गुड टॉकिंग टर्म्स, इन अ गुड फ्रेंडशिप टर्म्स, दे कैन डू इट इमीडिएटली बिकॉज उनको पूरा जानकारी पता है। ये अपने घर में जो कितना होल्स है ना वो बोलना नहीं चाहते हैं स्टेट वाले सेंटर वालों को, तो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। What happens is then it doesn't have work. So Ujoji gave a very good example of this corona thing. Corona में उनको demand कितना है वो पूरा बोला नहीं, center ने दिया नहीं supply, फिर बोल रहे हैं कि center ने कुछ नहीं दिया। So that is so please understand Punjab का issue. Arun ji, हाँ Arun ji, center ने दिया है, the state government has not distributed it further because that's what I'm saying. Distribution is always done by the state food and civil supplies department. जो स्टेट का मिनिस्ट्री रहता है और डिपार्टमेंट रहता है फूड एंड सिविल सप्लाईज का, उसके अंडर में सारे राशन शॉप्स होते हैं, है ना? No sir. वो लोग देते हैं। I was not talking about rations, I was telling about ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके बारे में बोल रहे थे ना, बहुत सारे हो रहे थे ना। अरे ऑक्सीजन सिलेंडर का दोस्तों अरुण जी, उसके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 600 मेट्रिक टन, वो 1200 मेट्रिक टन मांग रहा था दिल्ली की रिक्वायरमेंट, वो पूरे दिल्ली में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो एक्चुअल यूजिंग कैपेसिटी 80% होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, है ना? सिलेंडर में कैसे भरोगे भाई? गैस है, हवा है, पानी थोड़ी है, है? या सूटकेस में कपड़ा थोड़ी रख रहे हो कि उसके ऊपर बैठ के फिर बंद करेंगे, है ना? वही सर, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल दो। सो प्लीज कल जाने के वोट करने में वोट जरूर करने के लिए जरूर जाइए, प्लीज गेट आउट ऑफ द हाउस, मेक सम टाइम, ठीक है, गेट आउट ऑफ द हाउस, इट इज प्रॉब्ली 1 आवर 2 आवर्स, 1 घंटे 2 घंटे के लिए अपने देश के लिए यू नो करिए, फिर आपकी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, एटलीस्ट 5 साल के लिए इफ इट इज स्टेज, एंड दैट इज व्हाट वी नीड। वी डोंट नीड इलेक्शंस एवरी वन ईयर एवरी 6 मंथ्स, स्टेबल गवर्नमेंट दीजिए यार, हंग पार्लियामेंट मत बनाओ जाके किसी से वोट देके, है ना? उसके लिए उज्जल जी एज मेंशनिंग, यू नो, गो इन अ ड्राइव, थिंक, आपको दे तो पूरा आप, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर बार बोलता हूं, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट जाइए, जाके अपने कैंडिडेट आपके लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन खड़ा है उनके बारे में पूरा, दे हैव टू सबमिट एवरीथिंग, पूरा है, ढूंढ के जाइए, ए नहीं 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 वो है ना, वो बंदा है ना मेरे कास्ट का है, वो कत करिए, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज ओनली बियर द डिफॉल्ट। सो गो विद द राइट, गो टू द राइट पर्सन, एंड उज्जवल जी ने बोला ना, सेंटर और स्टेट अगर एक रहे तो आपके लिए भला ये है, आपका इश्यूज पूरा सुनने के लिए कोई तो रहेगा, एंड सी द डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग इन अदर स्टेट्स, यू वॉन्ट डेवलपमेंट इन योर प्लेस, प्लीज गो एंड वोट ना, बस उतना ही है। Thank you so much, Ujjwal ji, for all the again. It's like a tap, Google ka tap, open kare to pura Google nahi, knowledge ka tap, baki idhar pura
बरसा के गए हैं. एट द सेम टाइम आकाशवीर जी एंड शरण जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस आइडियाज एंड शिवानी जी थैंक्स एवरीडे फॉर enthusiastically coming and participating and questions पूछे तो ये हम आंसर कर सकते हैं in case an idea, है ना. और आकाशवीर जी ने बहुत अच्छा एक आइडिया देके गए हैं कि मीडिया हाउसेस के बारे में बातें करना है और मेरा भी एक दिमाग चल रहा है सर सेपरेटली मैं आपसे डिस्कस करूंगा. वी विल डिस्कस विद द पब्लिक आल्सो व्हाट वी नीड टू डिस्कस ऑन. और एज यूजुअल फिर से बोलता हूँ बिफोर वी एंड जॉइन आवर ट्विटर अकाउंट एंड द ऑफ ट्रू टीम ट्रू ट्रेलर्स एज वेल एज इंडिविजुअल यू नो उज्जवल नारायण जी का है सोनिया रैना जी का है मेरा भी है. यू कैन ज्वाइन इधर आज सेपरेट सिंगली और टू आवर टू ट्रेलर्स का टीम टू ट्रेलर्स का यू नो ट्विटर अकाउंट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टेलीग्राम अकाउंट ऑल्सो प्लीज ज्वाइन देयर सो दैट यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट योर आइडियाज थॉट्स सजेशंस वील टेक इट फॉरवर्ड. उसके अलावा वी हैव आवर ईमेल ऑल्सो That is one more thing is team two trailer, I mean two trailers at protonmail.com. उसको भी email कर सकते हैं and we'll ensure that we'll answer immediately. है ना. So this is our this thing. So as much as we are as Ujjwal ji says we are available in the YouTube as well as in the Facebook. जितनी जल्दी जोड़ेंगे और जितना you know you can like it and share. If you like whatever the topics we are discussing, please share with other people also. Let them also know that there is a channel existing which talks about Rashtravadi. The only thing is about the Bharatiya and Sanatan. And we take this middle stand. Haji. अभी जो बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं ना ये इसमें भी चैट बॉक्स में भी पूछा है कि हम लोग कैसे इकट्ठा हो सकते हैं एकत्र हो सकते हैं हिंदू सनातन हिंदू को कैसे एकत्र कर सकते हैं. तो शिवानी जी और सभी दोस्तों को मैं इतना ही बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में अगर आप सब्सक्राइब करते हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑफ कॉस्ट और हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमारे वीडियोस की इस चैनल के वीडियोस की इस चैनल की रीच बढ़ जाती विजिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज ये यूट्यूब गूगल का एल्गोरिथम है ऐसा है ना. तो जितनी रीच बढ़ेगी उतने ज्यादा लोगों के तक ये बातें पहुंचेंगी और हम इतना तो कर ही सकते हैं सनातन में होते हुए इतना तो कर ही सकते हैं बस इतनी ही इल्तिजा है. थैंक यू. जय हिंद जय भारत जय श्री राम हर हर महादेव हर हर महादेव. एंड शिवानी जी यस सोनिया जी एज उज्जवल जी वाज मेंशनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम सोनिया जी यू नो विल बी जॉइनिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक because of her personal commitments and situation back at house she was not able to join she'll definitely join aur miss karne ki zarurat nahi hai sonia ji se aap kabhi bhi baatein karna hai to she's available in the twitter aap immediately tweet kar dijiye she will definitely then she will respond to you because I think hum we three actually respond as we respond to as much as easy fast as possible that is our initial motto itself we told we have to connect with people more theek hai na. With that being said jai bharat jai shri ram har har mahadev jai hindu rashtra and I'll play this is again for hamara maharaj chhatrapati shivaji ke liye hai unke liye ek dedication karta hu uske baad we'll close it sir unki jayanti ki sabhi ko shubhkamnaen hai aaj shivaji jayanti hai hai na. तो हम सब नारा दें जय भवानी जय शिवाजी है ना. जय भवानी जय शिवाजी. हाँ जी. या फिर उनकी माता जीजाबाई की भी जयकारा लोग करते हैं तो जय जीजा जय शिवाय मतलब शिवराय इज अ स्मॉल शिवाजी यू नो जैसे वो उनको बड़ा किया संस्कार देके उनकी माता जी ने जीजाबाई ने माता जीजाबाई ने तो जो सही मायने में क्षत्रिय उनको और सनातनी उनको उनकी माता ने बनाया उनके संस्कारों ने बनाया है ना. तो लोग ये भी बोलते हैं जयकारा लगाते हैं जय जीजाऊ जय शिवराया है ना जय भवानी जय शिवाजी. मैं प्ले करता हूँ बिकॉज इट्स इन मराठी मे बी यू नो आई वुड लाइक टू आप कैन पीपल डिसाइड चंद्र नहीं खे पर विष्णु विश्व पंडिता
Maraki Maula, Maraki Maula, Maraki Maula, Maraki Maula.